So good. Now, the last of the times we had been doing some questions of the business head. Let us continue with that series of questions. The next one in the series, what we have to do is question number 98. So question number 98 ko dekhte hain apan. Aur jaisa ki kal hum kar rahe the, waisa hi hum aage questions karte hain. So you can take your calculator and let us try out this question, how it is done. Now what they have given is XYZ Private Limited is engaged in the manufacturing and selling of ceramic tiles. So interestingly, again, it is a company and it is engaged in a manufacturing business. Now the net profit of the company as per the profit and loss account for the year ending 31st March is 150 lakhs. तो हमारा जो बिजनेस हेड का कैलकुलेशन है उसके लिए बेस फिगर है 150 लाख्स. नाउ 150 लाख्स हमारा प्रॉफिट है और इट इज आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स. सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव इनफैक्ट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड द आइटम्स. उस हिसाब से एडजस्टमेंट हमको करना है. कंप्यूट द टोटल इनकम इंडिकेटिंग द रीजंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम. So you have to calculate the total income in the light of same. अब अपन एक एक आइटम को देखते हैं. 150 लाख से अपन स्टार्ट कर रहे हैं. पहला पॉइंट, वन टाइम लाइसेंस फीस ऑफ 20 लाख पेड टू अ फॉरेन कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग फ्रेंचाइजी ऑन 1st June. यहां पे डेट मेरे ख्याल से होनी चाहिए 2018. अवर फाइनेंशियल ईयर इज 18-19. सो 1st जून 2018 को उन्होंने ये लाइसेंस फीस पे की है. अभी इसमें वो पूछना क्या चाह रहे हैं, लाइसेंस फीस पेड टू अ फॉरेन कंपनी. लाइसेंस फीस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. वेरी गुड. लाइसेंस फीस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो हमने पीएनएल में पूरी लाइसेंस फीस डेबिट की है, वो नहीं होना चाहिए. तो उसको हटा दो, डेबिट को हटा दो, मतलब प्लस कर दो. तो प्लस 20 लाख्स. पर डिप्रिसिएशन तो कम से कम अलाउ होना चाहिए. लाइसेंस फीस एक इंटेंजिबल है. लाइसेंस इज एन इंटेंजिबल. इंटेंजिबल पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना होता है, 25%. तो 25% इसका माइनस कर दो. मोर देन 180 डेज है, ठीक है. दैट ऑल्सो कैन बी सीन, इट इज मोर देन 180 डेज. तो 25% 20 लाख का 5 लाख रुपए माइनस कर दो. बट अपना बेस फिगर 150 में प्लस हमने कर दिया 20 और माइनस कर दिया 5. फिर अगला पॉइंट आता है सेकेंड, राइट. यू शुड रिमेंबर दैट यस्टरडेज डिस्कशन. तीन एडजस्टमेंट्स हमको करने हैं कि बेसिकली ये सोचना है कि होगा क्या, ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, अलाउ होगा डिसअलाउ होगा. दूसरा चीज हमको देखनी है कि जो भी ट्रीटमेंट होगा उसका एडजस्टमेंट क्या होगा, प्लस माइनस. और तीसरा और आखिरी चीज हमको देखनी है कि उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा. तो इसमें प्रेजेंटेशन की जहां तक बात आती थी पहले पॉइंट में, हमको इसके ऊपर लिखनी पड़ेगी थ्योरी, छोटी सी दो लाइन की थ्योरी, जिसमें हम कहेंगे द लाइसेंस फीस पेड बाय द एसएससी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड देयरफॉर वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन, बट डिप्रिसिएशन ऑन सेम वुड बी एलिजिबल एट 25% डिप्रिसिएशन रेट. और बस बाकी तो ट्रीटमेंट हमने कर ही दिया है. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, 29,000 पेड टू ए एंड कंपनी अ गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इन कैश ऑन 31 जनवरी 2019 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट्स टू इट्स वेयर हाउस. तो हमने कैश में ट्रांसपोर्टर को 29,000 का पेमेंट किया. ट्रांसपोर्टर को कैश में, कैश पेमेंट मतलब कौन सा सेक्शन, कैश पेमेंट मतलब 40A3, है ना, बिजनेस हेड कैश पेमेंट मतलब 40A3. अभी 40A3 कहता है कि 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा. यहां पे 29,000 का है. क्या ट्रांसपोर्टर के लिए अलग से लिमिट है? हाँ. कितनी लिमिट है? 35,000. तो क्योंकि ये 35,000 की लिमिट के अंदर पेमेंट है, ये भी अलाउ हो जाएगा, इसका कोई डिसअलाउंस नहीं होगा. पी एंड एल में डेबिटेड है, अलाउड है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, राइट. थर्ड पॉइंट, रेंट ऑफ ₹6 लाख रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट अ पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस. अभी ऑफिस को किराए पे दिया
ऑफिस को किराए पे देने की इनकम कौन से हेड में जाएगी, या बिल्डिंग को किराए पर देने की इनकम कौन से हेड में जाएगी, बिजनेस हेड या हाउस प्रॉपर्टी? हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में ये इनकम जाएगी। म्यूनिसिपल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अमाउंटिंग टू ₹15,000 रिमेन्स अनपेड। तो ये म्यूनिसिपल टैक्स भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। तो अपने को करना क्या चाहिए, सोचो P&L में ये रेंटल इनकम क्रेडिटेड है, पर ये बिजनेस हेड में नहीं आएगी, तो इसको बिजनेस हेड से हटा दो। तो क्रेडिट है, क्रेडिट से हटाना है मतलब माइनस करना है। तो माइनस करो आप कैलकुलेटर पे, -6 लाख। P&L में म्यूनिसिपल टैक्स डेबिटेड है, म्यूनिसिपल टैक्स P&L में डेबिटेड है, पर डेबिट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा। ऐड कर दो, डेबिट मतलब माइनस किया हुआ है, माइनस किया है पर माइनस नहीं होना चाहिए था, तो प्लस कर दो। ये हो गया बिजनेस हेड में, ये ट्रीटमेंट हो गया। अब यू हैव टू गो टू दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में ये जो रेंटल इनकम है 6 लाख, ये टैक्सेबल है। म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन हमको मिलता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, पर वहां पेमेंट बेसिस पे मिलता है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे। तो क्योंकि ये पे नहीं हुआ है, लिखा है ना रिमेन्स अनपेड, तो ये पे नहीं हुआ है, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 6 लाख की रेंटल इनकम टैक्सेबल, पर वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 30%। तो 6 लाख का 30% माइनस करके 4,20,000 आ जाएगा। वो 4,20,000 को प्लस कर दो, तो ऑन योर कैलकुलेटर यू कैन डू प्लस 4,20,000, दैट वुड बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। नेट इफेक्ट कितना किया अपन ने, देखो 6 लाख रुपए बिजनेस हेड में माइनस किए, ₹15,000 बिजनेस हेड में प्लस किए, और 4,20,000 हाउस प्रॉपर्टी हेड में अपन ने प्लस किए। उसके बाद आता है 2 लाख बीइंग कंट्रीब्यूशन टू यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3512। अभी देखो आपको याद करना चाहिए, वहां पे होते थे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, और फिर होते थे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे लिखा है यूनिवर्सिटी, अभी उसका 150% डिडक्शन होता है या 100% होता है, दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू हैव टू एड्रेस, कि 150 या 100। और इंटरेस्टिंगली उसका डिडक्शन जो होता है मेरे ख्याल से वो होता है 150, एक बार और वेरीफाई कर लो। टू माय नॉलेज इट इज 150%। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च 150%, फॉर स्टैटिस्टिकल एंड सोशल साइंस रिसर्च 100%, नेशनल लेबोरेटरी एंड IIT 150%, एंड रिसर्च कंपनी इट इज 100%। तो ये जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज है, अगर इसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया गया है तो मेरे ख्याल से 150% डिडक्शन होगा। है ना 150, अगर वो ऑफकोर्स इफ इट इज फॉर दैट इफ इट इज फॉर साइंटिफिक रिसर्च तो 150, अगर सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल है तो 100%। तो अपन ले लेते हैं इसको साइंटिफिक रिसर्च, एक नोट लिख देंगे अज्यूमिंग दैट इट इज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो डिडक्शन मिलेगा 150%। अब 2 लाख P&L में डेबिटेड है, 2 लाख डेबिटेड है, डेबिट कितना होना चाहिए 3 लाख, तो 2 को ऐड करो 3 को माइनस करो। तो कैलकुलेटर पे आपको करना चाहिए 2 लाख ऐड और 3 लाख माइनस, या फिर नेट में मतलब 1 लाख माइनस भी कर सकते हो, शॉर्टकट वो है। फिर 3 लाख बीइंग लॉस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी कॉज्ड बाय फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। अभी जो होता है लॉस वो अलाउेबल होता है, बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस तभी अलाउेबल होता है जब 3 कंडीशन फुलफिल होती है, इट इज अ रियल लॉस, इट इज अ लॉस इंसिडेंटल टू बिजनेस, एंड इट इज अ revenue loss, very good. So if it is real revenue and incidental to business, तभी हमको loss का deduction मिलता है। हमारी machinery जल गई, ये real loss है, कोई problem नहीं है, सच में loss हो गया। ये incidental to business है क्योंकि machinery is a part of business, ये भी ठीक है। But is it a revenue loss? No, it is not a revenue loss. तो ये जो loss हुआ है ये allowable नहीं है, ये लॉस अलाउेबल नहीं है, मतलब P&L में डेबिटेड है, डेबिट नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे प्लस, प्लस करेंगे। और वैसे कैपिटल गेन में ऐसा होता है कि अगर ये कोई असेट डिस्ट्रॉय हो जाता है,
और उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो वो इंश्योरेंस क्लेम को असेट की कॉस्ट में से माइनस किया जाता है WDV में से और कैपिटल गेन निकाला जाता है। 45(1)(a) कहता है इंश्योरेंस क्लेम टैक्सेबल है। तो उन्होंने ये बताने के लिए कि भाई कैपिटल गेन में भी मत चले जाना, ये लाइन लिख दी, द इंश्योरेंस कंपनी डिड नॉट एडमिट दी लॉस। मतलब कैपिटल गेन तब अट्रैक्ट होता ना जब इंश्योरेंस क्लेम मिलता, तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला, कैपिटल गेन हेड अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अपना आंसर यहां पे है सिर्फ 3 लाख रुपए प्लस, कैलकुलेटर पे जरूर करना 3 लाख रुपए प्लस। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, 4 लाख एंड 1 लाख बीइंग अमाउंट वेव्ड बाय द बैंक। अभी ये देखो, ये बहुत रेगुलरली आएगा, 41(1) का क्वेश्चन है। मैंने कहा भी था 41(1) के साथ भी अभी भी कराया, पहले भी डिस्कस कर चुके अपन एट लेंथ कई बार। तो ये पॉइंट को ध्यान दो, 4 लाख एंड 1 लाख बीइंग अमाउंट वेव्ड बाय द बैंक आउट ऑफ द प्रिंसिपल एंड अरियर रिस्पेक्टिवली इन अ वन टाइम सेटलमेंट, द लोन वॉज ऑब्टेन फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 4 years back। ठीक है, वर्किंग कैपिटल लोन है, उसमें प्रिंसिपल लोन का वेवर हुआ है और इंटरेस्ट का वेवर हुआ है। वैसे याद करो 41(1) के अंतर्गत क्या दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी डीम्ड बिजनेस इनकम टैक्सेबल होती है। 41(1) कहता है कि अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तो डिडक्शन टैक्सेबल होगा। नंबर वन, पहले डेबिट हो चुका है, यू हैव क्लेम्ड अ डिडक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर, खर्चा है जिसका पहले आप डिडक्शन ले चुके हो और अब उसका सिजेशन या वेवर हो जाता है। सिजेशन या वेवर या रेमिशन ऑफ अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी के लिए दो कंडीशन होती है, देयर इज एन एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लाइबिलिटी जिसका आप पहले डिडक्शन ले चुके हो और अब उसका सिजेशन या वेवर हो गया है। तो जब हमने बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लिया होगा तब वो कोई खर्चा तो था नहीं, तो इसलिए हमने उसका डिडक्शन उस समय कुछ लिया नहीं होगा। अब उसका सिजेशन और वेवर हो गया, बैंक ने लोन वेव कर दिया, ये पक्की बात है, प्रिंसिपल लोन का वेवर 41(1) में टैक्सेबल नहीं है। 41(1) में इसलिए टैक्सेबल नहीं क्योंकि पहले उसका डिडक्शन नहीं मिला था। पर क्या इसको 28(1) में टैक्स किया जा सकता है? 28(1) कहता है कि इफ इट इज अ रियल इनकम, सच में इनकम है, पैसा लिया वापस नहीं देना पड़ा। इफ इट इज रेवेन्यू इनकम, तो रेवेन्यू अकाउंट का ही है, बैंक से लोन लिया वर्किंग कैपिटल लोन और बाद में नहीं देना पड़ा तो रेवेन्यू है, वर्किंग कैपिटल लोन। एंड थर्ड इज इंसिडेंटल टू बिजनेस, यस इट इज अ वर्किंग कैपिटल बिजनेस लोन, तो बिकॉज इट इज रियल रेवेन्यू एंड इंसिडेंटल टू बिजनेस, प्रिंसिपल लोन का वेवर टैक्सेबल है। प्रिंसिपल लोन का वेवर का अमाउंट है 4 लाख, P&L में क्रेडिटेड है, क्रेडिट होना चाहिए, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। पर यहां तक जो दूसरी बात आती है दैट इज अबाउट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में सोचो, इंटरेस्ट जो होता है बैंक से जब लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है पेमेंट बेसिस पे, 43(b) इंटरेस्ट का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलता है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे। तो 1 लाख के इंटरेस्ट का डिडक्शन हमको उस समय, 1 लाख के इंटरेस्ट का डिडक्शन हमको उस समय नहीं मिला होगा जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा, तब हमको डिडक्शन नहीं मिला और अब उसका सिजेशन हुआ। क्या 41(1) में टैक्सेबल है? नहीं, क्योंकि 41(1) तब अट्रैक्ट होता है जब पहले डिडक्शन ले चुके हो। तो क्योंकि आपने पहले डिडक्शन नहीं लिया तो 41(1) ट्रिगर नहीं होगा, ये पक्की बात है। अब 41(1) तो ट्रिगर नहीं होगा, कैन इट बी टैक्स अंडर 20? तो 28(1) की 3 कंडीशन है, इट शुड बी रियल इनकम, रेवेन्यू इनकम एंड इंसिडेंटल टू बिजनेस। इंटरेस्ट जो भी है वो बिजनेस से इंसिडेंटल है और वो रेवेन्यू है, बट रियल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट बना तब आपको पैसा थोड़ी मिला, पैसा मिला और नहीं देना पड़ा तो रियल इनकम है। यहां तो ना तो पैसा आया ना पैसा गया, राइट? ना पैसा मिला ना पैसा देना पड़ा, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ रियल इनकम। ऐसी बात अपने को और भी वो बड़े मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी आई थी, तो तब भी हम ये कर चुके थे। अभी इस पर कोई केस लॉ था जो कहता था कि साहब ये इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है और प्रिंसिपल अगर वर्किंग कैपिटल लोन है तो टैक्सेबल है, टर्म लोन है तो टैक्सेबल नहीं है? कोई केस लॉ है ना 41(1) में? 41(1) केस लॉ, केस लॉ इज रोला टीनर्स, इस
क्रा, मैको, महिंद्रा एंड महिंद्रा, राइट? ऐसे दो तीन केस हैं जिनमें कहा गया है कि प्रिंसिपल लोन का वेवर जो है वो टैक्सेबल नहीं है. अगर वो टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल लोन है तो टैक्सेबल है. खैर, इंटरेस्ट का वेवर तो टैक्सेबल नहीं है. अभी ये सब आपाधापी में, रियल क्वेश्चन तो अपन भूल ही गए कि ये P&L में क्रेडिटेड है. आपने क्या कहा, टैक्सेबल है कि नहीं? इंटरेस्ट का वेवर टैक्सेबल है या नहीं है? नहीं है. इंटरेस्ट का वेवर टैक्सेबल नहीं है पर P&L में क्रेडिटेड है. क्या करेंगे? माइनस करो, माइनस माइनस 1 lakhs. प्रिंसिपल लोन का वेवर टैक्सेबल है इन आवर एग्जाम्पल बिकॉज इट इज अ वर्किंग कैपिटल लोन. ठीक है, बिल्कुल सिस्टमैटिकली करोगे तो मजा आएगा और अच्छा कर पाओगे. 3 run चाहिए, 3 run के बिना क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे. वैसे ये वाला पॉइंट जो था अभी जो अपन ने पढ़ा, ये उसका 2nd run है, क्योंकि 1st run जो था जब अपन ने छोटे क्वेश्चन किए तब भी ये क्वेश्चन आया था कि प्रिंसिपल लोन के वेवर और इंटरेस्ट के वेवर का क्या होगा. और ये 2nd run है, यहां भी ये बात आ रही है कि प्रिंसिपल लोन के वेवर और इंटरेस्ट के वेवर का क्या होगा. और भी आएगी आगे 2-3-4 बार, तो वो मल्टीपल रन वैसे भी हो जाएंगे. चलो आगे चलते हैं. 7th point, ₹1 lakhs बीइंग अमाउंट पेएबल टू अ कॉन्ट्रैक्टर हु डज नॉट हैव अ पैन फॉर रिपेयर वर्क एट द कंपनीज फैक्ट्री, टैक्स ऑफ 2000 वॉज डिडक्टेड एंड पेड इन टाइम. अभी यहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, शायद हमको TDS काटना था क्योंकि पूरा बात TDS ओरिएंटेड है, तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, TDS काटना था. TDS किस रेट पे काटना था का झगड़ा है. एक्चुअली सामने वाले का पैन नहीं होता है, सामने वाला पैन नहीं देता है तो किस रेट पे TDS काटते हो? 20% पे. कोई सेक्शन है उसका? कोई सेक्शन है उसका? पैन नहीं देता है तो 20% काटते हो. 206AA TDS का सेक्शन है कि सामने वाला पैन नहीं देता है तो 206AA सेक्शन के अंतर्गत 20% की रेट पे TDS काटते हो. तो अभी ऐसा है कि आपको 20% की रेट पे TDS काटना था, आपने 2% की रेट पे TDS काटा. 2% ही ना, 1 lakh का पेमेंट है, 2000 काट लिया आपने, 2% काट लिया जबकि आपको 20% काटना था. ठीक है, शॉर्ट डिडक्शन ऑफ TDS. तो अभी क्योंकि आपने शॉर्ट TDS काटा, TDS काट लिया, काट के जमा कर दिया, क्या आपका कोई खर्चा डिसअलाउ होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? शॉर्ट डिडक्शन पे खर्चा डिसअलाउ नहीं होता. बहुत ही बढ़िया, बहुत सही, बिल्कुल अच्छा आपने कहा. पर केस लॉ क्या है उसका? ठीक है, गुड वर्क मीन्स यू हैव टू डू मोर वर्क, तो अच्छा आपने बोला तो और आपको बताना है. तो अभी बताओ केस लॉ क्या है उसका? उसका कोई केस लॉ था ना, एसके टेकरी वाले एंड कंपनी. सो एज पर द जजमेंट ऑफ एसके टेकरी वाले एंड कंपनी, इफ शॉर्ट डिडक्शन ऑफ TDS होता है तो उसमें खर्चा डिसअलाउ नहीं होता है. अभी क्योंकि वहां की लैंग्वेज है एक्चुअली कि डिसअलाउंस तब होता है व्हेन TDS इज नॉट डिडक्टेड, तो हमने TDS काट तो लिया है, और इफ TDS इज डिडक्टेड इट इज नॉट डिपॉजिटेड, तो हमने जो काटा वो जमा भी कर दिया है. तो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि सेक्शन की लैंग्वेज के कारण हमारा कोई डिसअलाउंस नहीं होगा, बिकॉज वी हैव नॉट डन एनी नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 40A(1), तो डिसअलाउंस नहीं होगा, ये पक्की बात है. ठीक है, P&L में डेबिटेड है, अलाउ होना चाहिए, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. चलो आगे. ठीक है, हो सकता है आंसर में इसका ट्रीटमेंट है ना गलत दिया हो, अलग मतलब गलत ही है ना, अपना तो सही है, तो आंसर में गलत हो सकता है. मैं आई एम पुटिंग इट विदाउट सीइंग द आंसर इटसेल्फ बिकॉज आई एम अवेयर, तो इसका ट्रीटमेंट उन्होंने अलग दिया हो सकता है. एक्चुअली ICAI ने एसके टेकरीवाल का जजमेंट नहीं अप्लाई किया है, तो हमने ICAI से ये व्यू लेते हुए ऐसा किया है. तो ये गलत है या अलग है या जो भी है, दे हैव डन इट दैट वे, तो अपन उसको डिस्टर्ब नहीं करें आंसर को. मतलब वो भी ICAI का व्यू है, बट एक्चुअली दे हैव नॉट अप्लाइड दैट जजमेंट ऑफ एसके टेकरीवाल, वेयर एज दैट जजमेंट इज वेरी क्लियर, इट सेज दैट शॉर्ट डिडक्शन पे डिसअलाउंस नहीं होगा. चलो आगे चलते हैं. अभी ये जो क्वेश्चन है ये 8th point, ये एक्चुअली बिजनेस हेड का क्वेश्चन ना होते हुए ये कई चैप्टर्स दूसरे चैप्टर से संबंधित हैं, तो मैं इसको पढ़ता हूं. डिविडेंड ऑफ ₹10 lakhs फ्रॉम P Limited ऑन 1000 equity shares ऑफ 10 each
purchased at 100 per share on 10th October 2019. The rate of dividend declared is 100%. The record date being 1st December 2018. The shares were sold on 1st March 2019 at 80 per share. Loss of rupees 20,000, 0.20 lakhs, has been debited to P&L account. सबसे पहली बात ये है कि ये जो डिविडेंड इनकम है ना, पहला सेंटेंस ही वहीं से चालू हो रहा है, 10,000, ये किस हेड में जाएगी, बिजनेस हेड या अदर सोर्सेस? तो इसको बिजनेस हेड से तो हटा देना चाहिए, P&L में क्रेडिटेड है और क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो इसको माइनस कर दो, माइनस 0.10, एक तो ये कर दो। अब ये डिविडेंड इनकम अदर सोर्सेस में जाएगी, पर ये तो डिविडेंड इनकम है ना, डोमेस्टिक कंपनी से मिला है, तो डोमेस्टिक कंपनी से जब डिविडेंड मिलता है तो शायद कंपनी को DDT लग गया होगा, क्योंकि कंपनी को DDT लग गया होगा, इसलिए हमारी कंपनी जो कि शेयर होल्डर है उसको ये डिविडेंड एग्जम्प्ट है, तो ये अदर सोर्सेज में भी टैक्स नहीं हो पाएगा, मतलब अदर सोर्सेज में प्लस नहीं करना है। तो अपन ने अभी तक एक ही चीज की माइनस 10,000 दैट इज बिजनेस हेड से उसको हटा दिया, अदर सोर्सेज में टैक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एग्जम्प्ट है। ये हो गई अपनी बात। दूसरी बात पे ध्यान देना। दूसरी बात ये है कि यहां पे कुछ डेट्स दी है और एक लॉस दिया है, तो डेट्स और लॉस को अपने एड्रेस करते। देखो डेट्स जो दी गई है कि हमने ये शेयर खरीदे थे 10 अक्टूबर 18 को शेयर्स खरीदे थे और इसके ऊपर हमको डिविडेंड मिला 1 दिसंबर 18 को, और फिर फाइनली हमने इन शेयर्स को बेच दिया 1 मार्च 19 को। एक्चुअली वो एक सेक्शन होता है, इफ यू हैव स्टडीड दैट, सेक्शन 94(7), जिसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड स्ट्रिपिंग, और उसका फिलोसॉफी ये होता है कि रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले हमने खरीदे और रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर हमने बेच दिए, तो हमारी रिकॉर्ड डेट है 1 दिसंबर जिस दिन हमको डिविडेंड मिला, उससे विद इन 3 मंथ्स हमने पहले खरीदे और विद इन 3 मंथ्स हमने बेच दिए, तो ये वो विद इन दैट रेंज है, विद इन 3 मंथ्स प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट खरीदे, विद इन 3 मंथ्स सब्सिक्वेंट टू द रिकॉर्ड डेट हमने बेच दिए। ऐसी परिस्थिति में सेक्शन लगता है 94(7), और 94(7) ये कहता है कि जो हमें लॉस हुआ है 20,000, ये 20,000 के लॉस में से टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जम्प्ट इनकम, मतलब 10,000 का लॉस, ये 10,000 का लॉस हमको डिसअलाउ हो जाएगा, लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जम्प्ट इनकम शैल बी डिसअलाउड। तो 20,000 के लॉस में से 10,000 का लॉस हमको डिसअलाउ हो जाएगा, इसका सेक्शन है डिविडेंड स्ट्रिपिंग। ये बिजनेस हेड का क्वेश्चन नहीं है, बिजनेस हेड में जैसा कि मैं कल भी कहा था मैंने कि एक दो दूसरे चैप्टर उनको एक आध पॉइंट ऐसा देते हैं जो दूसरे चैप्टर का होता है, तो दिस इज अबाउट डिविडेंड स्ट्रिपिंग एंड लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ द एग्जम्प्ट इनकम शैल बी डिसअलाउड। अभी देखो ट्रीटमेंट, अब मैं आपको बताता हूं, ये मेरी तरफ से बताता हूं अगर आपने डिविडेंड स्ट्रिपिंग नहीं पढ़ा है तो। ट्रीटमेंट ये है कि ये 20,000 का लॉस P&L में डेबिटेड है। सबसे पहले तो ये शेयर का लॉस है और अपना शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं है, तो ये कौन से हेड में जाएगा, बिजनेस हेड या कैपिटल गेन? कैपिटल गेन, तो बिजनेस हेड में डेबिटेड है, वहां से हटा दो, डेबिटेड है और हटा दो, मतलब क्या करो, प्लस करो, प्लस 20,000 जो डेबिटेड है उसको ऐड कर दो। दूसरी चीज आती है कि ये कैपिटल गेन में जाएगा, तो ये 20,000 का लॉस कैपिटल गेन हेड में अलाउ होना चाहिए, पर कैपिटल गेन हेड में 10,000 का ही लॉस अलाउ होगा, क्योंकि 20,000 में से टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जम्प्ट इनकम 10,000 डिविडेंड इनकम तक ये लॉस डिसअलाउ हो जाएगा। तो 20,000 का लॉस है उसमें से 10,000 डिसअलाउ हो जाएगा, इफेक्टिवली कैपिटल गेन हेड में 10,000 का ही लॉस आएगा, तो कैपिटल गेन हेड में लॉस लिख लो 10,000। अब एक छोटी सी बात और है जो आपको पता ही होगी कि कैपिटल गेन हेड का लॉस बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, कैपिटल गेन हेड का लॉस है बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, तो 10,000 के लॉस को कैलकुलेटर पे माइनस मत कर देना, क्योंकि वो कैपिटल गेन का लॉस है, बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, अदर सोर्सेस से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, कैपिटल गेन हेड का लॉस सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, वो 10,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, दैट लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है, दैट इज इट।
फिर अगला पॉइंट आता है सीरियल नंबर नाइन. सीरियल नंबर नाइन है डिप्रिसिएशन ऑन टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. अभी आपको पता होगा इनकम टैक्स में जो डिप्रिसिएशन अलाउड होता है वो होता है एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स. तो ये जो है ये डेबिटेड है, मतलब ये है डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स. तो बुक्स का जो डिप्रिसिएशन है उसको प्लस कर दो, प्लस 1 लाख. और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है वो जो आपने कभी ऑफिस में एक्सेल शीट में या सॉफ्टवेयर में बनाया होगा डिप्रिसिएशन का चार्ट. तो यह है डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, इसको माइनस कर दो. प्लस 1 लाख माइनस 1.75 लाख, ठीक है ना? ये इज इट ओके दैट वे? चलो अब आगे अगला एडजस्टमेंट और होता है. बड़ा क्वेश्चन है देखो, और मैंने बताया आजकल जो लेवल है वो ऐसा ही चल रहा है, इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. एक एडजस्टमेंट डेढ़ नंबर का है, तो ये 10 एडजस्टमेंट है 16 मार्क्स के लिए जो कि रेलेवेंट है. अब सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब ये P&L में डेबिटेड क्रेडिटेड नहीं है. अच्छा, डिप्रिसिएशन में एक छोटी चीज और देख लो. आपने डिप्रिसिएशन अभी माइनस किया ना 1.75, एक और डिप्रिसिएशन आप पहले माइनस कर चुके हो पहले पॉइंट में, लाइसेंस फीस का. तो वो माइनस करना था क्या? इन्होंने तो निकाला हुआ है ना डिप्रिसिएशन अलग से इनकम टैक्स का, इसमें इंक्लूड नहीं है. कैसे पता चलता है? क्योंकि यहां लिखा है डिप्रिसिएशन ऑन टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल, एंड दैट लाइसेंस फीस वॉज इनटैंजिबल. कितना सोच समझ के क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है उन्होंने, नहीं तो कोई लिख के आ जाता वो तो ऑलरेडी अलाउड है उसमें, नहीं है क्योंकि दिस इज ऑन टैंजिबल असेट्स ओनली. इनटैंजिबल का देना था आपको, वो नहीं दिया आपने तो गलत हो जाता. अपन ने दे दिया था, मतलब ठीक है. अब आगे, कंपनी हैज ऑब्टेंड अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम ABC प्राइवेट लिमिटेड इन विच इट होल्ड 16% ऑफ द वोटिंग राइट्स. द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द ABC प्राइवेट लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ लोन वॉज 0.50 लाख. ये क्या पूछना चाह रहे हैं? वेरी गुड. सेक्शन 222E, क्लोजली हेल्ड कंपनी को लोन दिया गया. हमारी कंपनी एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, राइट? XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी को एज अ शेयर होल्डर लोन मिला, ठीक है? हमारी कंपनी के पास एक कंपनी के शेयर हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड के. ABC प्राइवेट लिमिटेड ने हमको लोन दिया. क्या इस कंपनी में हमारी होल्डिंग 10% या उससे ज्यादा है? कहीं लिखा है 16% है. क्लोजली हेल्ड कंपनी ने, रदर आई शुड से दैट वे, ABC प्राइवेट लिमिटेड ने, क्लोजली हेल्ड कंपनी ने एक शेयर होल्डर को लोन दिया. शेयर होल्डर है मिस्टर, शेयर होल्डर है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा शेयर होल्डर जिसकी होल्डिंग कंपनी में 10% या उससे ज्यादा है. सो बिकॉज ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है, इट इज अ डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E. अभी ये डिविडेंड तो है, आजकल इसके ऊपर कंपनी को ही DDT लग जाता है. मेरे को नहीं पता आंसर में क्या किया है. पहले क्या होता था कि ये 222E वाला डिविडेंड जो था वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता था. शेयर होल्डर मतलब अपनी कंपनी इस एग्जांपल में. पर आजकल क्या हो गया, इसी साल से अमेंडमेंट आया, अपन ने पढ़ा था अदर सोर्सेज में, 222E का जो डिविडेंड है वो भी अब कंपनी के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है. कंपनी को ही उस पर DDT लगता है. तो हमारी जो कंपनी है उसके हाथ में ये डिविडेंड है, पर ये एग्जम्प्ट है. लोन भी डिविडेंड है, पर लोन जो डिविडेंड है अब वो एग्जम्प्ट है. ये अमेंडमेंट इसी साल आया है. टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इट इज डिविडेंड, बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज द लोन विच इज डिविडेंड इज नाउ एग्जम्प्ट इनकम, बिकॉज कंपनी को उसके ऊपर, जो कंपनी जिसके हम शेयर होल्डर हैं उस कंपनी को इसके ऊपर लगा होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. आपको याद है 222E पे कितने रेट से DDT लगता है? 222E पे कितने रेट से DDT लगता है? ज्यादा ही मतलब 30% प्लस सरचार्ज एक्सेट्रा मिला के 34.94%. तो 222E पे कंपनी को लगा होगा. किस कंपनी को? ABC को. हमारे हाथ में ये डिविडेंड एग्जम्प्ट है. तो एग्जम्प्ट है मतलब क्या करें, किस हेड में टैक्स करें? एग्जम्प्ट है मतलब किस हेड में टैक्स करें? बहुत ही सिंपल IPCC का क्वेश्चन है, IPCC का पहले दिन का. एग्जम्प्ट मतलब किस हेड में टैक्स करें? किसी भी हेड में मत करो. एग्जम्प्ट मतलब क्या होता है? एग्जम्प्ट अदर सोर्सेज में थोड़ी करोगे. एग्जम्प्ट मतलब किस हेड में टैक्स करें?
एग्जम्प्ट है, इसको थोड़ी टैक्स करेंगे सर, क्या मजाक कर रहे हो सर, ऐसा कहना चाहिए आपको, ये तो एग्जम्प्ट है, इसको किसी भी हेड में टैक्स नहीं करेंगे। एग्जम्प्ट इनकम को अदर सोर्सेज में थोड़ी टैक्स करते हैं, इसको किसी भी हेड में टैक्स नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे को नहीं पता इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी उसको टैक्स नहीं किया, देख सकते हो आप, अदर सोर्सेज में डिविडेंड लिखा और डैश कर दिया, क्योंकि अब अमेंडमेंट आ गया है ना, दे हैव एड्रेस्ड दैट अमेंडमेंट एंड सेड डिविडेंड इज एग्जम्प्ट। पहले क्या होता था कि अदर सोर्सेज की इनकम होता था पहले, पर अब उस पर भी कंपनी को डीडीटी लग जाता है। कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हो आप? बिजनेस हेड। पर इसमें ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? अदर सोर्सेज। इसके पहले अभी जो पढ़ा वो कौन सा था? डिविडेंड स्ट्रिपिंग। कहां कहां के क्वेश्चन उठा उठा के पूछ के लेके आते हैं 16 नंबर के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में। अब 14 का आएगा, पर जो भी आएगा वो इस तरह का आएगा। नाउ कंसिडरिंग दिस, मेरे ख्याल से सारे एडजस्टमेंट्स अपन ने कर लिए, एक बार देखो आंसर, थोड़ा सा अंतर आएगा, जो अपन ने वो डिफरेंट ट्रीटमेंट किया वो थोड़ा अंतर आएगा मेरे ख्याल से, बाकी आंसर टैली होना चाहिए। 30,000 का अंतर है क्या? 30,000 का अंतर है, वो 1,00,000 का 30% जो 40A/1A में डिसअलाउ होता, 1,00,000 का कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट था, 30% डिसअलाउ इन्होंने किया है शायद, क्योंकि इन्होंने एसके टेकरीवाल का जजमेंट नहीं लगाया। अपन अगर एसके टेकरीवाल का जजमेंट लगाते हैं तो अपने हिसाब से डिसअलाउंस होगा निल, एंड बिकॉज डिसअलाउंस होगा निल, सो देयरफॉर दिस इज हाउ इट विल बी एड्रेस्ड, राइट? दिस इज द पॉइंट व्हिच वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। यहां पे देखो वर्किंग्स, नोट्स एंड अजम्पशंस, हर पॉइंट जो है उसका रीजनिंग अपने को देना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। तो जितने भी पॉइंट है क्वेश्चन में, हर पॉइंट का रीजनिंग अपने को देना है, राइट? एवरी पॉइंट हैज टू बी एड्रेस्ड। 10th पॉइंट देख लो, जो वो डिविडेंड वाला लास्ट पॉइंट, एज पर सेक्शन 222E, एनी पेमेंट बाय अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड बाय वे ऑफ अ लोन टू अ शेयर होल्डर हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग राइट्स इज डीम्ड टू बी डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकॉर्डिंगली इन केस इन दिस केस 50,000 वुड बी डीम्ड टू बी डिविडेंड। हाउएवर कंपनी हैज टू पे डीडीटी, बस ये आखिरी लाइन अभी जुड़ी है, कंपनी हैज टू पे डीडीटी एंड बिकॉज कंपनी हैज टू पे डीडीटी द शेयर होल्डर एसएससी इज एग्जम्प्ट, राइट? बिकॉज ऑफ द रीजन कंपनी हैज टू। नहीं, अगर ऐसा लग रहा हो तो आप अपने नोट्स में देख लेना, अदर सोर्सेज में जो था वो ऐसा ही कुछ होता था। लेट मी ट्राई टू टेक यू टू दैट चैप्टर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपने नोट्स से मैं आपको बता रहा हूं, और अपने नोट्स में एक्चुअली दिया ऐसा था 222E डिविडेंड। 222E डिविडेंड में लिखा हुआ है कि कंपनी डीडीटी दे देती है 34.94% पे और शेयर होल्डर एग्जम्प्ट हो जाता है, और वहां 115BBDA भी नहीं लगता है, वो 115BBDA लगता है 222ABCD वाले डिविडेंड में, ई में नहीं लगता है, ठीक है? ABCD में 115BBDA अप्लाई होता है। तो ये अपने नोट्स में था, बाद में मैंने ऐसे भी कुछ समराइज किया था कि डिविडेंड जो है उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 222ABCD में क्या आता है, ई जो होता है उसमें कंपनी को डीडीटी लग जाता है, शेयर होल्डर एग्जम्प्ट होता है, और उसमें आप देखोगे हाईलाइटेड नहीं है, हाईलाइटेड केसेस में बीबीडीए लग सकता है शेयर होल्डर को, बट दिस नॉट कवर्ड बाय 115BBDA ऑल्सो। सो दिस इज द पॉइंट जो अपन पढ़ चुके हैं एक्चुअली, पर वो क्या होता है, इतना सारा लॉ है, और मेरा कहना है कि रियल तैयारी एग्जाम की जो है वो सिर्फ क्वेश्चन ही है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए, मतलब आपने एग्जाम की तैयारी नहीं की। क्लास अटेंड करना इज नॉट एग्जाम की तैयारी, ठीक है? कि हमने क्लास अटेंड कर ली या हमने लेक्चर्स कर लिए, दैट इज नॉट एग्जाम की तैयारी। खुद क्वेश्चन करना इज एग्जाम की तैयारी। तो उसका फर्स्ट रन अपन कर रहे हैं अभी फिलहाल, और वो फर्स्ट रन ये है कि हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट वे टू रिवाइज द फुल सिलेबस। अभी तक तो ठीक है, अपन पढ़ ही रहे थे, सिलेबस याद करने का बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि खुद से अपन सोचते हैं और उसका ट्रीटमेंट एग्जाम एंगल से सोचते हैं। एग्जाम में यही आएगा, क्वेश्चन ही आएगा, ऐसा थोड़ी आएगा कि देखो आपने कितनी क्लास अटेंड कर ली, बस आपने इतनी क्लास अटेंड कर ली, बहुत थक गए अब आप सीए बना देना चाहिए आपको, ऐसा नहीं होने वाला है। वहां तो क्वेश्चन ही आएंगे विच यू हैव टू सॉल्व, सो दैट इज वॉट आई एम पुटिंग अप। तो क्वेश्चन करो जरूर, बहुत क्वेश्चन करो, और जो क्वेश्चन कर चुके हो उसको फिर करो, बार बार करो, जब तक गलती हो तब तक करो। गलतियां हो उसको लिखो, एक्स्ट्रा पॉइंट जो पढ़ लिए उसको लिखो, ठीक है? एक शीट बना लो कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हमने क्वेश्चन से ही सीखा, क्लास में तो हमको पढ़ाया ही नहीं गया था,
ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ये चीजें हैं जो हम बार बार गलती कर रहे हैं, तो इसको एग्जाम वाले दिन रिवाइज करना है, क्योंकि एक दिन में रिवाइज करना इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, जो मैं 5 बार एटलीस्ट कह चुका हूं। इसलिए 5 बार कह चुका हूं क्योंकि रिटेंशन नहीं रहता है ना, कल बोला था आज फिर भूल जाते हैं, तो इसलिए फिर आज बोल देता हूं, रोज बोलूंगा, बार बार बोलूंगा कि भाई क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, बिकॉज दैट इज द रियल स्टडी फॉर एग्जाम्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर 98 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.99। HSP अ पार्टनरशिप फर्म एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग अ हेरिटेज होटल। होटल मैं आई हैव टेकन अ बिग पॉज ऑन होटल। वाई? क्योंकि होटल पे बिजनेस हेड में कुछ अलग है क्या? क्या है ऐसे भी अपने को सोचना है। होटल पे क्या है बिजनेस हेड में अलग से? 35AD है ना, 35AD, और सेक्शन 35AD कहता है दैट इफ यू आर रनिंग अ 2-star और अबो कैटेगरी ऑफ होटल, क्या होगा 35AD में? डिडक्शन मिलेगा। काय का डिडक्शन? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अंडर सेक्शन 35AD इफ यू आर रनिंग अ होटल तो यू विल गेट अ डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड कितने परसेंट? 100 या 150? 100% एक्सेप्ट 3 कैपिटल एक्सपेंसेस, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे कैपिटल एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा। एग्जाम में अपन ने क्वेश्चन पढ़ना चालू किया और एग्जाम में क्या होता है, वी आर थ्रिल्ड, तो अपने को पता नहीं क्या आया, तो वी आर थ्रिल्ड। अरे HGP अ पार्टनरशिप फर्म, दिमाग में आने लगता है कहीं ये असेसमेंट ऑफ फर्म का तो क्वेश्चन नहीं है, अपने को क्या पता कि ये कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस हेड का क्वेश्चन है। HGP और पार्टनरशिप फर्म, तो एकदम से अपन ने दिमाग में फर्म का आ जाता है सारा लॉ, ठीक है वहीं रुक जाते अपन। फर्म का क्या लॉ था? फर्म का लॉ था वो पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट, 40B की लिमिट्स है ना, वो दिमाग में आ जाती है। अपन ने वो सब याद किया, फिर आगे पढ़ा एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ होटल, तो 35AD उतना दिमाग चल रहा है अपना, राइट, रनिंग फास्ट, 35AD आ गया। और ये 35AD का तो नहीं है होटल, 35AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो शायद कैपिटल एक्सपेंडिचर का होगा। अप्रूव्ड, हाँ हाँ ये अप्रूव्ड है, तो कहीं ना कहीं 35AD का होगा, ऐसा दिमाग में आने लगता है कुछ ना कुछ। अब आगे प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, अब दे हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैं आपको सच बताऊं ये 35AD का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें जो डेटा दिया, मेरा यही कहना है कि जो डेटा आपको दिया गया है उसी को एनालाइज करो। ये 35AD का डेटा होता तो शायद वो देते कि यहां पे अंडरलाइंग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इतना है, ऐसा कहीं ना कहीं तो बताते कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है, गुडविल का इतना पेमेंट है, लैंड का इतना पेमेंट है, वो नहीं दिया है। इट इज अ अजम्पशन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट आंसर इज दैट वी आर अज्यूमिंग दैट दिस असेसी इज नॉट एलिजिबल अंडर 35AD। ये अजम्पशन अपने को एग्जाम हॉल में बैठकर वहीं लेना पड़ेगा। मान लो ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर के क्वेश्चन में आपको कितना टाइम मिलेगा? 1.5 मिनट, अपन ने कहा था 1 मार्क का, तो आपको कितना टाइम मिलेगा? 18 मिनट। 18 मिनट में आपको सोचना है, सारी चीजें याद करना है और आंसर भी खत्म कर देना है विथ गुड प्रेजेंटेशन, उसी के मार्क्स हैं, एंड दैट इज स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। नाउ ये 35AD का क्वेश्चन नहीं है, मैं क्लियरली कह दिया, तो ये नोट सबसे पहले लिख दो, अज्यूमिंग इट इज नॉट कवर्ड अंडर 35AD, बिकॉज होटल है ना तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। अब चलो 35AD का नहीं, नॉर्मल बिजनेस हेड का क्वेश्चन है ये। तो नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट आफ्टर चार्ज ऑफ द फॉलोइंग, आफ्टर डेबिट क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, तो ये अपना बेस फिगर है, लिखो 200, कैलकुलेटर को रिसेट करो, बेस फिगर इज 200, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 200, डेप्रिसिएशन ऑन होटल बिल्डिंग हैविंग WDV ऑफ 500 लाख वॉज चार्ज्ड बाय ट्रीटिंग द सेम एज प्लांट एंड मशीनरी। होटल बिल्डिंग पर बिल्डिंग के रेट से डेप्रिसिएशन नहीं दिया, होटल बिल्डिंग पर प्लांट के रेट से डेप्रिसिएशन दे दिया। तो होटल बिल्डिंग पर बिल्डिंग के रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा या प्लांट के रेट से मिलेगा?
होटल बिल्डिंग पर बिल्डिंग के रेट से मिलेगा या प्लांट के रेट से मिलेगा? बिल्डिंग के रेट से. कैसे, कहां लिखा है ऐसा? बैकिंग अप होनी चाहिए. कोई केस लॉ है होटल बिल्डिंग पे बिल्डिंग का ही रेट लगेगा? कोई सेक्शन है? हां सेक्शन है, सेक्शन 43 सबसेक्शन 3, प्लांट इंक्लूड्स बुक्स, व्हीकल्स, ships, surgical equipments, scientific apparatus. Plant excludes livestock, building and furniture. Building and furniture is not a plant. So, kyunki plant excludes building, therefore, building cannot be treated as a plant. Building cannot be treated as a plant. So, building pe kya rate dena chahiye? Building ka. Ab aapne dekho nikala kitna hoga. 500 का 15% लिया होगा प्लांट का रेट, पर 500 का 10 ही लेना चाहिए था. तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना लिया है आपने? 25 लाख. 25 लाख एक्सेस लिया है. 25 पीएनडीएल में डेबिटेड है, डेबिट नहीं होना चाहिए. क्या करें? प्लस करो, प्लस 25. नेट प्रॉफिट था ना 200 प्लस 25. ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा, एडजस्टमेंट क्या होगा और प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन से आपका वो लॉजिक निकलेगा कि क्यों किया ऐसा, रीजनिंग. ट्रीटमेंट क्या होगा, वो लॉ है, ओरिजिनल वही लॉ है जिसके कारण आप प्लस माइनस कर रहे हो, और उसका एडजस्टमेंट डिपेंड करता है कि ऑलरेडी डेबिटेड है या नहीं है. डेप्रिसिएशन आगे, थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑफ 1 lakh इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट एम्प्लॉइज. एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट एम्प्लॉइज कितना डिडक्शन मिलता है? वेरी गुड. एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट एम्प्लॉइज डिडक्शन मिलता है 1/5 फॉर 5 years पर कंपनी को मिलता है. दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म. तो पीएनडीएल में डेबिटेड है, डेबिट नहीं होना चाहिए. क्या करेंगे? प्लस करो, प्लस प्लस 1 lakh. पेमेंट ऑफ 50,000 फॉर एन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन सोवेनियर रिलीज बाय पोलिटिकल पार्टी. पोलिटिकल पार्टी बीजेपी के सोवेनियर में एडवर्टाइजमेंट. ये तो आ चुके हैं, अब ये रिपीट होंगे एडजस्टमेंट्स. अब मेरा कहना है आप आज के दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाएगा. शुरू के 3-4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है बिजनेस हेड में, उसके बाद क्या होता है कि आपको रिपीट होने लगते हैं. ये रिपीट है, पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर में एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, अलाउड या डिसअलाउड? डिसअलाउड. सेक्शन कौन सा है? कल मैंने कहा था मेरे को पक्का भरोसा है कि आप अब सही बता दोगे. सेक्शन कौन सा है? 37(2)(b). ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर में एडवर्टाइजमेंट डिसअलाउ होगा. डिसअलाउ होगा मतलब ऐड करो, प्लस. पर पूरा एडजस्टमेंट नहीं बताया आपने अभी. वेरी गुड. 80GGB GGC में उसका डिडक्शन मिलेगा, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी. तो जो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना माइनस हो जाएगा आफ्टर चैप्टर 6 से डिडक्शन. प्रेजेंटेशन में ही होगा ये इफेक्ट, बिजनेस हेड में एड होके वहां माइनस हो जाएगा. तो माइनस भी कर दो, आपके उसमें ऐसा है नहीं ना कि ग्रॉस टोटल इनकम के बाद, पर वो करना अपने को प्रेजेंटेशन में वैसा करना पड़ेगा. तो माइनस कर दो 50,000 पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर में एडवर्टाइजमेंट. अब देखो रुपीज इन लैक्स और रुपीज इन था, मतलब वो बेस चेंज कर देते हैं. अभी क्या चल रहा था? 200 lakhs, और अब ये कितना फिगर है? 50,000. तो अपने को क्या करना चाहिए? 0.5 lakhs. आई डोंट नो व्हाट यू आर टेकिंग. 0.5 lakhs आपने प्लस किया और 0.5 lakhs आपने माइनस किया. बेस चेंज कर देते हैं, वो ऐसे ही करते हैं. अभी यहां तो ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में तो करेंसी भी चेंज कर देंगे. कुछ फिगर डॉलर में दे देंगे, कुछ रुपीज में दे देंगे, कुछ यूरो में दे देंगे, और अब करो. ठीक है, उनको मजा आता है ऐसा सब आप कंफ्यूज होते रहो. एंड इट इज रियल टाइम, आई मीन दिस ऑल थिंग्स हैपन रियल टाइम. तो ये रियल टाइम बात है. चलो अगला, कंपनसेशन ऑफ 1 lakh पेड टू द सप्लायर्स ऑफ ऑटोमेटिक किचन अप्लायंसेस बिकॉज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ 50% ऑफ अप्लायंसेस. हमने कंपनसेशन पे किया. हमारी होटल है, होटल में हमको कुछ किचन अप्लायंसेस चाहिए होंगे. ये जो किचन अप्लायंसेस चाहिए थे, इसका हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो हमने उसको सेटल करके 50% पेमेंट करके मामला खत्म किया. 1 lakh rupees का हमने कंपनसेशन पे किया. ये जो 1 lakh rupees का हमने कंपनसेशन पे किया है, इज इट अलाउड और डिसअलाउड? 1 lakh का जो हमने कंपनसेशन पे किया है, इज इट अलाउड और डिसअलाउड? दिस इज द क्वेश्चन.
मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है बस? ये किचन अप्लायंसेस खरीदना होटल के बिजनेस में, ये रेवेन्यू अकाउंट का लॉस है? इट इज अ लॉस. इफ इट इज रियल रेवेन्यू एंड इंसिडेंटल टू बिजनेस इट इज अलाउड. तो ये रेवेन्यू लॉस है तो अलाउड है, कैपिटल लॉस है तो डिसअलाउड है. अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि रेवेन्यू है या कैपिटल. एक नोट डाल दो, अज्यूम्ड, अज्यूम दैट इट इज रेवेन्यू. रेवेन्यू है, पी एंड एल में डेबिटेड है, क्या करेंगे? कुछ नहीं. कोई को लग रहा है कैपिटल है, क्योंकि मैं आपको बता भी दूंगा तो एग्जाम में कुछ और नाम से आ जाएगा वो और कंफ्यूजन होगा. अगर आपको लग रहा है कैपिटल है, नोट डाल दो, अज्यूम दैट इट इज कैपिटल एंड देयरफॉर इट इज नॉट अलाउड. तो मैं इसको रेवेन्यू मान लेता हूं, रेवेन्यू मानता हूं. मेरे को नहीं पता आंसर में क्या किया है. कोई केस लॉ है जो क्या कहता है, रेवेन्यू या कैपिटल? उन्होंने कैपिटल माना, चलो अपन भी कैपिटल मान लेते हैं. कैपिटल लॉस है, पी एंड एल में डेबिटेड है, क्या करेंगे? एड बैक करेंगे. प्लस वन, वन लैक्स. अगला फिफ्थ पॉइंट, वाइन एंड लिकर इंपोर्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑफ 20 लैक्स वर अवेलेबल इन दिस स्टॉक ऑन 1st April फॉर 5 लैक्स वर कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड देयरफॉर रिटर्न ऑफ. हमारा जो स्टॉक था वो गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर लिया और हमने उसको राइट ऑफ कर दिया. क्वेश्चन ये है कि ये जो गुड्स कॉन्फिस्केट हो गए, ये हमको अलाउड है क्या? लॉस है, ये लॉस अलाउ हो गया क्या? लॉस है, बिजनेस लॉस. सोचना, बिजनेस लॉस कैसे? हमारे बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड है, वो स्टॉक इन ट्रेड गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर लिया. इज इट अलाउड और डिसअलाउड? द आंसर टू दिस इज इट इज अलाउड. एक्चुअली यू कैन रेफर दैट जजमेंट ऑफ टी ए कुरेशी. इलीगल चीज भी होती है तो भी अलाउड हो जाता है, ऐसी वाली कहानी है. एनीवेज, रियल रेवेन्यू एंड इंसिडेंटल टू बिजनेस है, अलाउड है. सीरियल नंबर 5, अलाउड. अलाउड है, पी एंड एल में डेबिटेड है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. अगला पॉइंट, एक्सपेंस ऑफ 20 लाख इनकर्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ कार्पेट्स इन. अभी ये आप चाहो तो आपकी लिस्ट में लिख लो, ये 2-3-4 बार आ चुका है. रिप्लेसमेंट ऑफ कारपेट्स, इसके ऊपर एक केस लॉ दिया होगा उन्होंने, रिप्लेसमेंट ऑफ कारपेट. समवेयर रिप्लेसमेंट ऑफ कारपेट केस नहीं दिया है, पर ये लिख सकते हो. रिप्लेसमेंट ऑफ कारपेट इन अ होटल इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कारपेट, फॉयर एंड लिनेन एक्सेट्रा, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्पेट, फॉयर एंड लिनेन एक्सेट्रा इन अ होटल इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट इज अ सेटल्ड लॉ और उन्होंने 2-3-4 बार पूछा है, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्पेट, फॉयर एंड लिनेन इन अ होटल. होटल में क्या होता है कि ये सब रेगुलरली खराब होती रहती है ना. होटल में उन्होंने बेडशीट्स लगे रूम में, खराब हो गई, ठीक है, कर्टन्स लगाए, खराब हो गए, तो उनके लिए इट इज मोर लाइक अ रेवेन्यू आइटम. फॉयर इन दी कार्पेट्स इन दी फॉयर लॉन्च बार और लिनेन और ठीक है और यू कैन से कर्टन्स, इन सब का रिप्लेसमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू है, पी एंड एल में डेबिटेड है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. अलाउड है, रेवेन्यू है, डेबिटेड है, अलाउड, खत्म. नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ रुपीज 4 लैक्स equal to UK pounds 5,000 was remitted to a travel agent resident of UK as a commission for booking of international tourists in the hotel. Tax at source was not deducted on such payments. ये मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, मेरे को नहीं पता आपने international taxation में ये कभी office में handle किया है कि नहीं ये चीज, पर ये international taxation का question है. क्वेश्चन ये है कि हमने एक पेमेंट किया नॉन रेसिडेंट को, हु इज अ रेसिडेंट ऑफ यूके. तो हमने पेमेंट किया नॉन रेसिडेंट एजेंट को. नॉन रेसिडेंट एजेंट को जब कमीशन का पेमेंट करते हैं तो क्या हमें उसका टीडीएस काटना रहता है? तो इसका आंसर है नो. पेमेंट ऑफ कमीशन टू अ नॉन रेसिडेंट एजेंट, उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस एजेंट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती. एक्चुअली इसका लिंकेज सेक्शन 195 से है. 195 ये कहता है कि इफ यू हैव मेड अ पेमेंट टू अ पर्सन हु इज अ नॉन रेसिडेंट, इफ यू हैव मेड अ पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, हमें उसका टीडीएस तभी काटना है जब उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है. इफ यू हैव पेड टू अ नॉन रेसिडेंट,
then you have to deduct TDS if any sum is chargeable to tax in India. और क्योंकि उसकी कोई income India में taxable नहीं है, तो हमें उसका TDS नहीं काटना था. अब मेरी बात सुनना, TDS नहीं काटना था, TDS नहीं काटा, कोई गलत कर दिया क्या? नहीं. खर्चा allowed या disallowed? Allowed, allowed. P&L में debited है, debit भी होना चाहिए. क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? That is it. अच्छा, थोड़ा सा मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं. ये जो क्वेश्चन है इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज पे ध्यान दो. ए पॉइंट जो था वो था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स. तो ये चीजें ऑलरेडी P&L में डेबिटेड थी. अब ये जो अपन ने पढ़ा ये है बी और सी पॉइंट, ठीक है? बी और बी पॉइंट जैसे अपन ने पढ़ा, तो बी पॉइंट क्या कहता है कि ये अपना एक पेमेंट है. अभी यहां ये नहीं लिखा है कि ऑलरेडी डेबिटेड है या नहीं है. ए में लिखा है ये डेबिटेड है, बी में नहीं लिखा है कि ये डेबिटेड है कि नहीं. तो मेरा कहना है कि एक लॉजिकल कंक्लूजन पे अपन आ जाते हैं कि ये डेबिट होगा कि नहीं अदरवाइज अकाउंट्स में. मेरे ख्याल से ये अकाउंट्स के हिसाब से डेबिटेड होगा, है ना? क्योंकि ये तो हमारा बिजनेस का खर्चा है P&L का. तो अपन यहां पर एक नोट और लिखेंगे और वो ये होगा कि दिस अमाउंट इट इज नॉट क्लेरिफाइड दैट वेदर दिस इज डेबिटेड इन P&L और नॉट. सो इट इज अज्यूम दैट इट इज डेबिटेड इन P&L. कई जगह अपन ये लिखेंगे कि दिस इज अज्यूम दैट इट इज नॉट डेबिटेड. मैंने कहा था शुरू के क्वेश्चन इजी हैं, बाद में आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी डेबिटेड है या नहीं है. मैं तो अज्यूम कर रहा हूं कि ये डेबिटेड है, डेबिटेड है और डेबिट होना चाहिए. क्या करेंगे? कुछ नहीं. क्या किया इन्होंने? P&L में डेबिटेड है और डेबिट होना चाहिए. नहीं नहीं, अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो है कमीशन की. कमीशन को कुछ नहीं किया ना उन्होंने. एक मिनट, एक मिनट. इज नॉट एन, नहीं नहीं, द पेमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्सेस एन अलाउबल एक्सपेंस. इट इज एन अलाउबल, हाँ, पर ये इट इज एन अलाउबल एक्सपेंस. इट इज अलाउबल एंड वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज डेबिटेड. वी आर अज्यूमिंग राइट नाउ दैट इट इज डेबिटेड, राइट? इट इज एन अलाउबल एक्सपेंस. रॉन्गली रिटन ओवर देयर, नॉट वर्ड गलत है, बाकी सब सही है, बस एक ही वर्ड तो गलत है, नॉट. ठीक है, ठीक है ना? चलो सी. अमाउंट ऑफ 40,000 ईच वॉज पेड इन कैश टू द सप्लायर्स ऑफ वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग्स ऑन दिस डेट बिकॉज ऑफ सस्पेंशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ बैंक एम्प्लॉयज. अभी यहां का हाईलाइट वर्ड है कैश. हमने कैश में पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया. कौन सा सेक्शन लगेगा? 48(3). 10,000 से ऊपर का पेमेंट है क्या? 40,000 ईच. 40,000 ईच मतलब कितने ईच हो गए? 1, 2, 3. तो मतलब कितने हो गए? 1,20,000. 1,20,000 का पेमेंट किया कैश में, 40,000 ईच. 10,000 से ऊपर है तो ये 48(3) कहता है कैश पेमेंट ओवर एंड अबाउट 10,000 शैल बी डिसअलाउड. पर उसने सर बैंक की स्ट्राइक थी, बैंक बंद थी, चलता है क्या? रूल 6DD में चलता है. तो P&L में डेबिटेड है ये अपन अज्यूम कर रहे हैं, डेबिटेड है और डेबिट होना चाहिए. क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. डेबिटेड है, डेबिट होना चाहिए. होना क्यों चाहिए? क्योंकि रूल 6DD में अलाउड है. क्या करेंगे? कुछ नहीं. इन्होंने भी वही किया होगा, मेरे ख्याल से कुछ नहीं किया. तो दे हैव टेकन द अजम्पशन दैट इट इज समथिंग विच इज ऑलरेडी डेबिटेड इन द P&L, राइट? दैट इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू पुट अप. अगला पॉइंट आता है डी. मतलब अपन थोड़ा लॉजिक पे चल रहे हैं कि अकाउंट्स में डेबिटेड होगा क्या. अगर होगा तो अपन लिख लेते क्योंकि क्वेश्चन इज नॉट क्लियर कि ये ऑलरेडी डेबिटेड है या ऑलरेडी डेबिटेड नहीं है. तो क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है तो अपन उस हिसाब से इसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि भाई अकाउंट्स में होगा डेबिटेड तो अपन भी मान लो कि डेबिटेड है. चलो अब अगला पॉइंट आता है नेक्स्ट, सीरियल नंबर डी.
amount of 5 lakhs written off in financial year 13-14 as irrecoverable from a travel agent. An amount of rupees 2 lakhs out of it was recovered and credited to reserve account. Clear cut likha hai, kahan credit kiya isko? Reserve account. Bad debts recovery. पहले हमने एक बैड डेट बुक कर लिया था, उसमें से रिकवरी हुई. क्या बैड डेट रिकवरी टैक्सेबल होती है? बैड डेट रिकवरी टैक्सेबल होती है. हां, कौन कहां लिखा है ऐसा? सेक्शन है उसका 41(1) में पांच डीम्ड इनकम होती है, जिसमें बैड डेट रिकवरी भी एक इनकम होती है, तो टैक्सेबल है. टैक्सेबल है पर P&L में क्रेडिटेड नहीं है. क्रेडिटेड नहीं है कैसे पता चलता है? लिखा ना, इट वॉज टेकन टू रिजर्व अकाउंट. क्रेडिटेड नहीं है, क्या करोगे? प्लस. क्रेडिटेड नहीं है, क्रेडिट होना चाहिए, तो क्रेडिट कर दो. क्रेडिट मीन्स प्लस. अभी मेरे ख्याल से यही आंसर आ जाएगा आपका शायद. इसमें तो अपन ने अलग कुछ किया नहीं. ग्रॉस टोटल इनकम निकाली इन्होंने. ओके, तो दे शुड ऑल्सो गिव 80GGC. बी मतलब जीजीबी मतलब कंपनी. बी इज फॉर कंपनी और जीजीसी मतलब अदर देन कंपनी. अवर एसएससी इज अ पार्टनरशिप फर्म, राइट? सो इट इज 80GGC पार्टनरशिप फर्म. 50,000 फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम. दे हैव जस्ट स्टॉप्ड, आई डोंट नो व्हाई, बट दे हैव स्टॉप्ड ऑन ग्रॉस टोटल इनकम. तो 80GGC और माइनस कर दो तो यू विल गेट अ टोटल इनकम. अब सही आएगा 2,29,00,000 रुपए की आपकी इनकम. चलो ये हो जाता है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल. अगला क्वेश्चन नंबर 100. तो यू कैन स्टार्ट विथ योर कैलकुलेटर बैक अगेन. अल्फा लिमिटेड इज अ कंपनी, है ना? कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. और आपको निकालना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दी टैक्सेबल इनकम. ठीक है, तो आपको टैक्स नहीं निकालना है. अगर टैक्स निकालना होता तो एक चीज और करनी पड़ती. कंपनी का टैक्स निकालने में एक चीज और क्या करनी पड़ती? मैट. पर उन्हें पूछा ही नहीं ना, मैट का एडजस्टमेंट नहीं है. हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि इसमें मैट का एडजस्टमेंट नहीं है? बिकॉज यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द टैक्स. हैड इट बीन अ क्वेश्चन ऑफ टैक्स, यू वुड हैव टू अप्लाई द मैट प्रोविजन. आई हैव सेड इट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. नाउ अभी इनका नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट है 12,50,000. लिखो 12,50,000. अभी यहां कहीं लिखा है क्या आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स? नहीं लिखा है ना. तो हर एडजस्टमेंट के साथ अब अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कि आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग है या नहीं. तो लॉजिकली जो P&L में डेबिट होगा, लॉजिकली अकाउंट्स के हिसाब से जो P&L में डेबिटेड होगा वो मान लेना डेबिटेड है, और अकाउंट्स के हिसाब से जो P&L में डेबिटेड नहीं होगा वो मान लेना डेबिटेड नहीं है. थोड़ा सा लॉजिक अपने को लगाना पड़ेगा. एक अजम्पशन अपन लेते हुए चलेंगे, हर जगह लिखते हुए चलेंगे. इट इज अज्यूम्ड इट इज डेबिटेड, इट इज अज्यूम्ड इट इज नॉट डेबिटेड, ऐसा अजम्पशन लेते हुए चलेंगे. एनीवेज, लेट अस स्टार्ट विद इट. नंबर वन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. एक मिनट, क्या ये P&L में डेबिटेड होगा? एडवर्टाइजमेंट का खर्चा तो डेबिटेड ही होगा, है ना? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 60,000 पेड इन कैश. यहीं रुक जाओ, आगे पढ़ो ही मत, कंफ्यूज हो गए नहीं तो. कैश में 60,000 का पेमेंट अलाउड और डिसअलाउड? डिसअलाउड. 60,000 को क्या करोगे, माइनस या प्लस? प्लस करो, प्लस. अब उन्होंने ये कहा कि उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 52,000 है. अपने को क्या करना, मार्केट वैल्यू कितनी भी हो, एक्चुअली 482 भी लगवा रहे कि अनरीजनेबल तो 8,000 ही है. तो 482 वर्सेस 483, मेरा यह कहना है कि जिसमें ज्यादा डिसअलाउंस हो वो कर देना चाहिए. तो 482 में तो 8,000 ही डिसअलाउ होता, पर कैश में पेमेंट है ना, कैश में तो पूरा 60,000 डिसअलाउ होगा. 60,000 डिसअलाउ कर दो, खत्म. ठीक है, वो जबरदस्ती का कंफ्यूजन है. एक चीज लिखते हुए चलना, अज्यूमिंग इट इज डेबिटेड इन P&L, 60,000 डिसअलाउड. दूसरा पॉइंट,
Legal charges include a sum of 45,000 paid to a consultant for framing a scheme of amalgamation. Amalgamation demerger expenses. कहीं उस पर अलग से पढ़ा है क्या आपने? Amalgamation demerger expenses. अलग से पढ़ा list देखो वो आपने बनाई ना इतनी लंबी list मेहनत करके. Amalgamation expenses. दूसरी बार आ रहा है ये. Amalgamation expenses allowed है कितना? 1/5 for 5 years. है ना 1/5 for 5 years. तो 45,000 debited है. Debited है ऐसा मान लो. है ना 45,000 डेबिट हो गई और कहां गया होगा 45,000 डेबिटेड है उसको क्या करो प्लस और अलाउ कितना होगा 1/5 मतलब 9,000 तो 45,000 प्लस माइनस 9,000 ठीक है ना नेट इफेक्ट 36,000 प्लस कर दिया अपन ने चलो आगे रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स 1,80,000 टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीनरी पार्ट से इतना क्या फर्क पड़ गया एकदम मतलब हाँ हाँ कैपिटल और रेवेन्यू और रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ मशीनरी इज रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ मशीनरी इज रेवेन्यू रिप्लेसमेंट ऑफ फुल मशीनरी इज कैपिटल वो फंक्शनल टेस्ट अरे भूल गए आज फंक्शनल टेस्ट याद है रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ मशीनरी विच इज इंडिपेंडेंटली फंक्शनल That means it is a full machinery itself. Agar replacement of full machinery karoge, to it is a capital expenditure. Replacement of part of machinery karoge, to it is a revenue expenditure. Kaun sa case law tha? 150 mein se jara dhundo kaun sa tha? Sahi keh rahe the aap? Sarvana, Sarvana, nahi wo nahi keh rahe the? Sarvana? Spinning and weaving wheels. Sarvana spinning and weaving wheels. Replacement of part of machinery is a revenue expenditure. Aisa part jo apne aap mein independently functional nahi hai, wo replacement of part of machinery is revenue. Aur jo independently functional hai, to alag hi machinery thi, to uska replacement would be replacement of full machinery. Abhi ye bahut sari kahani kehli. Ab ye hai, ye allowed hai. क्योंकि रेवेन्यू है अलाउड है पीएनडीएल में डेबिटेड है अज्यूमिंग पीएनडीएल में डेबिटेड है डेबिट होना चाहिए क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे ठीक है अ सम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ लाइबिलिटी फोरगोन बाय अ क्रेडिटर हैज बीन टेकन टू जनरल रिजर्व द सेम वॉज चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट इन फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 12-13 हमको 12-13 में एक खर्चे का डिडक्शन मिल गया था ना इट वॉज चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट 12-13 में हमको एक खर्चे का डिडक्शन मिल गया था और अब उसको पे नहीं करना पड़ा मतलब सीजेशन हो गया हर क्वेश्चन में सीजेशन का क्वेश्चन है 41-1 खर्चे का डिडक्शन मिल गया बाद में उसका सीजेशन हो गया इज इट टैक्सेबल अंडर 41-1 यस टैक्सेबल है पर हमने पीएनएल में क्रेडिट नहीं किया है लिखा है ना क्वेश्चन में इट वॉज टेकन टू जनरल रिजर्व हमने पीएनडीएल में क्रेडिट नहीं किया है क्रेडिट होना चाहिए क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे प्लस करो प्लस 6,000 सेल प्रोसीड्स ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट अमाउंटिंग टू ₹1,00,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू पीएनडीएल अकाउंट क्रेडिटेड टू पीएनडीएल अकाउंट मतलब ये पीएनडीएल में क्रेडिटेड है Which the company claims as a capital receipt not chargeable to income tax. बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है क्या एडजस्टमेंट है हमने पीएनडीएल में क्रेडिट किया है सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस पर कंपनी का कहना है नहीं सर ये तो कैपिटल रिसिट है इस पर टैक्स नहीं लगेगा टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा कहीं पड़ा है सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस अलग से पढ़ा है कहां पढ़ा है बिजनेस हेड के शुरू में जो डीम्ड बिजनेस इनकम होती है उसमें आता है दिस पॉइंट 7th देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंसेंटिव्स और यहां आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस Is deemed to be business income. भले ही ये capital receipt होगी
हम इसे डीम टू बी बिजनेस इनकम मानते हैं। वो आपकी लिस्ट में ये चार नाम लिख लो, ठीक है, कि ये डीम टू बी बिजनेस इनकम है। एक एक्स्ट्रा लिस्ट बना लेनी चाहिए सबको कि बिजनेस हेड में कौन कौन से खर्चों का, क्योंकि हेड से ही तो चलता है पूरा बिजनेस हेड। ये वाला खर्चे का हेड है, ये वाली इनकम का हेड है, इसका क्या होगा। कहीं हमने बिजनेस हेड में ये पढ़ा था कि ये जो चार इनकम्स हैं, भले ही कैपिटल अकाउंट की इनकम हो, बट दे आर डीम्ड टू बी बिजनेस इनकम। ठीक है, उसका जब तक आप एग्जाम में लॉजिक नहीं लिखोगे आपका आंसर सही नहीं होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, कैश असिस्टेंस रिसीव्ड, रिसीवेबल अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक और प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, ये चारों इनकम डीम टू बी बिजनेस इनकम है। अब P&L में क्रेडिटेड है और क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि दे आर डीम टू बी इनकम। क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, यू विल डू नथिंग आउट ऑफ दिस एडजस्टमेंट। कंपनी का कहना है कि साहब ये कैपिटल रिसिट है, टैक्सेबल नहीं है। हमारा कहना है, कंपनी का कहना गलत है, कंपनीज आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ द रीजन इट इज स्क्वेयरली कवर्ड बाय सेक्शन 28, इट इज डीम टू बी योर बिजनेस इनकम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगला एडजस्टमेंट देखते हैं, चले चलो आगे चलते हैं। अगला एडजस्टमेंट आता है, बीइंग आल्सो एंगेज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस द कंपनी इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। अभी उन्होंने 2 लाख रुपए का खर्चा किया है ना, रेवेन्यू और कैपिटल मिला के 2 लाख का खर्चा। ये 2 लाख का साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा, कंपनी है बायोटेक, कंपनी है बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में एंगेज्ड है और अप्रूव्ड इन हाउस रिसर्च का खर्चा किया है। अप्रूव्ड इन हाउस रिसर्च 100 या 150% डिडक्शन मिलेगा, तो 2 लाख P&L में डेबिटेड है, 3 होना चाहिए। क्या करेंगे, 2 को ऐड करो, 3 को माइनस करो, 2 लाख डेबिटेड है, 3 होना चाहिए 150%, 2 को ऐड करो, 3 को माइनस करो, तो मेरे ख्याल से यही आ गया आंसर, 52,000। चलो बहुत ही अच्छी बात है, आंसर काफी हद तक सही आ रहे हैं, तो ये अपना हो जाता है 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अभी एक क्विक ब्रेक लें फिर आगे करते हैं। वी हैव डन 3 क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस हैं, टाइम टेकिंग है, पर इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल से। हर क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगेगा कि क्या लेवल है इंस्टीट्यूट का। ब्रेक के बाद जब हम अब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां से एक अलग लेवल चालू होगा, और ये एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम में आते हैं। आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के हैं। इनकी खासियत ये है कि यहां पे जो ज्यादातर एडजस्टमेंट दिए जाते हैं दे आर बेस्ड ऑन केस लॉस, तो केस लॉ बहुत सारे इसमें अपने को पूछ लिए जाते हैं, लेटेस्ट केस लॉ। और इसका प्रेजेंटेशन का स्टाइल भी मैं आपको बताऊंगा, अभी तक के प्रेजेंटेशन स्टाइल एक अलग तरीके के होते थे, अब अलग तरीके के प्रेजेंटेशन स्टाइल है। मैंने शुरू में कहा था कि मैं 2 स्टाइल बताऊंगा प्रेजेंटेशन की। एक पहला क्वेश्चन बताया था, मैंने कहा था देखो आंसर ऐसा है और फिर नीचे वर्किंग नोट्स दिए हैं, वो एक स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है, और एक और प्रेजेंटेशन का स्टाइल मैं आपको बताऊंगा, और फिर बताऊंगा कि एग्जाम में कौन सा वाला स्टाइल अडॉप्ट करना। तो अपन ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं उसमें। थैंक यू। Now let us do this question, question number 101, and this question titled as Moon India Limited. Now this is going to set another set of benchmark for us, because यहाँ से हमको अब अभी के जो exam pattern जो आ रहे हैं वो वाली approach देखने को मिलेगी, जिसमें ज़्यादातर case law based आते हैं और वो हर पॉइंट के साथ दिया जाता है, इट इज डेबिटेड क्रेडिटेड, जैसा पिछले भी क्वेश्चन में था कि वो अलग से नहीं दिया था, हर पॉइंट के साथ दिया था, इट इज चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, इट इज टेकन टू रिजर्व अकाउंट, तो वो हर पॉइंट के साथ दिया हुआ एडजस्टमेंट रहता है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, अपन सॉल्व करते हैं
और फिर देखते हैं अपन कुछ बातें जो और हैं इसमें प्रेजेंटेशन को लेके थोड़ी बातें हैं जो अपने को समझना चाहिए इसमें. नाउ लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन. मून इंडिया लिमिटेड तो कंपनी है एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो वो भी अपने को समझ आ गया. फिर आगे दिया हुआ है कंप्यूट द टोटल इनकम, है ना, टोटल इनकम, इग्नोर मैट प्रोविजंस. वैसे भी टोटल इनकम में मैट तो होता नहीं है, तो ठीक है टोटल इनकम निकालनी है अपने को. नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट इज 50 lakhs. सो यू कैन स्टार्ट बैक विथ योर कैलकुलेटर, रीसेट योर कैलकुलेटर एंड बेस फिगर फॉर अस इज द इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन. नेट प्रॉफिट इज 50 lakhs. अब कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹12 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर 14-15 फॉर द पर्पज ऑफ रीलोकेशन ऑफ ऑफिस. द लेंडर वेव्ड ₹8 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड इट इज क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट. हमने लोन लिया था, लोन का वेवर, लोन का वेवर कोई पहली बार नहीं आ रहा है, कई बार आ चुका है. लोन के वेवर का क्या होता है, 41(1) में टैक्सेबल हो सकता है क्या? लोन लिया था तब उसको खर्चा नहीं मना था, ये पक्की बात है कि लोन लिया था तो खर्चा नहीं था और उसका वेवर 41(1) में टैक्स नहीं हो सकता है. 28(1) में टैक्स हो सकता है क्या? इफ इट इज अ रियल रेवेन्यू एंड इंसिडेंटल टू बिजनेस. तो लोन का वेवर अपने प्रेजेंट एग्जाम्पल में रियल इनकम तो है क्योंकि पैसा लिया था वापस नहीं करना पड़ा, इंसिडेंटल टू बिजनेस तो है क्योंकि रीलोकेशन ऑफ ऑफिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिजनेस. बट वेदर इट इज रेवेन्यू, रीलोकेशन ऑफ ऑफिस वेदर इट इज ऑन रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. सो देयरफॉर दिस इज नॉट इनकम, राइट, इट इज अ कैपिटल रिसिट, P&L में क्रेडिटेड है, क्रेडिट नहीं होना चाहिए, माइनस कर दो. कितना वेवर किया है उन्होंने, 8 lakh, 8 lakh रुपए माइनस कर दो, ठीक हो जाती है बात. अच्छा एक चीज मेरी तरफ से और सुन लेना, और वो ये है कि इसके ऊपर एक डायरेक्ट केस लॉ है. रीलोकेशन ऑफ ऑफिस जैसे ही पढ़ा आपने, अपने दिमाग में वो केस लॉ आ जाना चाहिए. सॉफ्टवर्क्स कंप्यूटर जो नोट्स में दिया हुआ है और वहीं दिया हुआ है रोला टीनर्स और उसके साथ, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के केस के हिसाब से रीलोकेशन ऑफ ऑफिस का ये जो पैसा है, रीलोकेशन ऑफ ऑफिस के कारण ये जो हमको लोन का वेवर हुआ है, ये लोन का वेवर जो है इट इज एक्चुअली नॉट डीम टू बी योर बिजनेस इनकम, दैट इज फॉर श्योर. एंड द केस लॉ इज सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स, दिस इज द केस लॉ इन अवर नोट्स, इट इज गिवन ऑन द रेलेवेंट पेज, पेज नंबर 128. सो दैट केस लॉ अनलेस इट इज कोटेड, योर आंसर इज नॉट कंप्लीट. It is a capital receipt, not taxable, but the case law has to be quoted. Backing up is the case law. उन्होंने पूछा ही क्यों relocation of office? क्योंकि वो चाहते थे कि आप case law लिखो, इसीलिए तो पूछा. फिर उसके बाद second point, depreciation charge to the P&L account is 16 lakhs. Depreciation as per books का क्या करते हो? Add, disallowed, है ना? Depreciation as per books add कर दो, plus 16 lakhs. डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स इज 28 lakhs, ठीक है, माइनस करना. पर उसके साथ और भी उन्होंने कुछ दिया डिप्रिसिएशन को लेके, एक मिनट वो भी पढ़ लो, फिर अपन डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स माइनस करते. डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स साइड में मैं लिख लेता हूं 28 lakhs, मेरे लिए लिख लेता हूं, एज पर इनकम टैक्स इज 28 lakhs, ठीक है. अब जो डेटा दिया है वो है डिप्रिसिएशन रेट मेंट फॉर कंप्यूटर हैज बीन अडॉप्टेड फॉर एसेसरीज लाइक प्रिंटर एंड स्कैनर एंड EPBX. तो एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि जो कंप्यूटर है उसका रेट होता है 40%, अब है ना, कंप्यूटर का रेट 40% होगा. कंप्यूटर का रेट 40% अपन ने अडॉप्ट कर लिया प्रिंटर के लिए, तो प्रिंटर पे भी क्या कंप्यूटर का रेट लगेगा? हाँ. कोई केस लॉ है उस पर? कोई है, ओरिएंट सिरेमिक्स और BSES यमुना लिमिटेड. तो सही किया अपन ने, कोई गलत थोड़ी क्या, कंप्यूटर का रेट भी प्रिंटर पर भी लगेगा, तो प्रिंटर और स्कैनर पे कंप्यूटर का रेट लगाया, पेरिफेरल डिवाइसेस पर कंप्यूटर का रेट लगाया, सही किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर EPBX पे भी क्या कंप्यूटर का रेट लगेगा? EPBX पे भी क्या कंप्यूटर का रेट लगेगा? नहीं लगेगा. फेडरल बैंक का जजमेंट है, बहुत ही बढ़िया, फेडरल बैंक का जजमेंट है जिसमें कहा गया है EPBX के ऊपर कंप्यूटर का रेट नहीं लगेगा. तो EPBX की वैल्यू दी हुई है WDV 2 lakh, 2 lakh का 40% हमने लगा दिया. 2 lakh का 40% कितना होता है? 80,000. हमने डिप्रिसिएशन लगा दिया 80, ये जो 28 lakh निकाला है
इस 28 लाख को निकालने के लिए हमने डिप्रिसिएशन ले लिया 80,000, जबकि हमको लेना चाहिए था 2 लाख का 15%, है ना, 15, क्योंकि ईपीबीएक्स पे तो नॉर्मली प्लांट का रेट लगेगा, तो हमको लेना चाहिए था 30,000, हमने ले लिया 80,000, 80,000 गलत ले लिया, उसको हटाओ, लेना चाहिए था 30,000, 30,000 सही है, उसको कंसिडर करो, तो अपना नेट इफेक्ट जो आ जाता है वो है 27,50,000। अब ये है डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, ठीक है, करेक्टेड प्रॉपर। सो द करेक्टेड एंड प्रॉपर डिप्रिसिएशन विल बी दिस मच, 27.50। सो व्हाट यू शुड डू इज डिप्रिसिएशन एज पर योर बुक्स 16 लाख शुड बी एडेड बैक, एंड डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स दैट इज रुपीज 27.50 शुड बी डिडक्टेड। दो पॉइंट में तीन केस लॉ आ गए, मैंने कहा ये केस लॉ से फ्लडेड क्वेश्चंस आते हैं आजकल। पहले पॉइंट में अपन ने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स का केस रेफर किया, इस पॉइंट में अपन ने रेफर किया बीएससीएस यमुना, और वी हैव ऑल्सो रेफर्ड द केस ऑफ द फेडरल बैंक, जहां पे हमने कहा कि कंप्यूटर का रेट कंप्यूटर पर ही लगेगा, ईपीबीएक्स पर नहीं लगेगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। इट इनकर्ड रुपीज लेट मी टेक यू बैक सम। दिस वन, इट इनकर्ड रुपीज 2,50,000 फॉर एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, द इशू कुड नॉट मटीरियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ नॉन क्लियरेंस बाय सेबी, द अमाउंट हैज बीन चार्ज टू द पी एंड एल अकाउंट। हमने पब्लिक इशू के लिए खर्चा किया पर पब्लिक इशू मटीरियलाइज नहीं हो पाया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस पर एक डायरेक्ट केस लॉ है मेस्कॉन टेक्निकल सर्विसेज, जो कहता है कि अगर पब्लिक इशू मटीरियलाइज नहीं हो पाया सो द एक्सपेंडिचर इज समथिंग विच इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, पब्लिक इशू लाने का खर्चा कैपिटल है और वो इशू भले ही मटीरियलाइज नहीं हो पाया, कैपिटल कैन नॉट बिकम रेवेन्यू, एंड देयरफॉर फॉर दैट रीजन दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पी एंड एल में डेबिटेड है, नहीं होना चाहिए, क्या करोगे, प्लस करो, डू इट दैट वे, प्लस 2,50,000 है ये, 2,50,000 प्लस करो भाई। नेक्स्ट, दी कंपनी पेड रुपीज 1 लाख एज कंपाउंडिंग फीस फॉर वायलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशंस, दिस अमाउंट हैज बीन चार्ज्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अपन ने क्या किया कि ये कोई पॉल्यूशन कंट्रोल के रेगुलेशंस के नॉन कंप्लायंस किया, मतलब कोई ऑफेंस किया हमने, समथिंग विच वॉज नॉट परमिटेड इन लॉ, उसके लिए हमने कोई हमको फाइन लगा, वहां पे कंपाउंडिंग फीस लगी, रेगुलराइजेशन फीस लगी। ये जो कंपाउंडिंग फीस लगी ये लीगल है या इलीगल, इलीगल है ना, पेमेंट फॉर एन ऑफेंस है, तो ये भी डिसअलाउ होगी, इसको भी करो प्लस। तो ये जो है सीरियल नंबर दिस ना, ये अपने सब हो गए हैं, इसको करो प्लस। नेक्स्ट, ठीक है, सही है ना, प्लस कर लिया, कुछ छोड़ दिया मैंने, हाँ मैं पढ़ता हूं। इट इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 2 लाख टूवर्ड्स इशू ऑफ डिबेंचर्स, दिस अमाउंट हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स। डिबेंचर इशू करने का खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल है, तो इस पर एक्चुअली अपन ने एक केस लॉ पढ़ा है फिर से, और वो केस है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को लेकर पढ़ा है, नॉर्मल डिबेंचर्स को लेकर नहीं पढ़ा है, और उन्होंने यहां तक कह दिया आईटीसी के केस में कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को इशू करने का जो खर्चा होता है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को इशू करने का खर्चा होता है रेवेन्यू। तो जब कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को इशू करने का खर्ची रेवेन्यू होता है, तो नॉर्मल डिबेंचर्स को इशू करने का भी खर्चा ऑब्वियसली रेवेन्यू ही होगा। सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट एंड अलाउएबल। हालांकि इसका कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट था बैंको प्रोडक्ट्स का, पर वी आर नाउ राइट नाउ फोकसिंग ऑन आईटीसी लिमिटेड, वेयर इट हैज बीन सेड दैट डिबेंचर्स को इशू करने का खर्चा जो होता है वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। मेरे को नहीं पता सॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया है, हो सकता है कुछ और किया हो, देख लो सॉल्यूशन में क्या किया है। मेरा कहना है कुछ नहीं होगा, क्योंकि डेबिटेड है, डेबिट होना चाहिए,
क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. उन्होंने उसको कैपिटल माना है. नहीं, एक्सपेंडिचर ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डिसअलाउ नहीं किया, मतलब रेवेन्यू ही माना है उन्होंने. अज एक मिनट, फोर्थ पॉइंट, इट इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 2 लाख टूवर्ड्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. दिस अमाउंट हैज बीन ओके. बुक्स में इसको डेबिट नहीं किया है तो इन्होंने भी उसको कैपिटल ही माना है. ओके, दैट वे उन्होंने बुक्स में कैपिटलाइज किया, मतलब P&L में डेबिट नहीं किया है, और उन्होंने भी मान लिया कि ये डेबिट नहीं होना चाहिए. ठीक है, मेरा ये कहना है कि इसको रेवेन्यू भी मान सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग, क्योंकि कन्वर्टिबल है. तो जब कन्वर्टिबल के लिए उन्होंने ये कह दिया कि वही रेवेन्यू है, तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में ऑब्वियसली इट शुड बी रेवेन्यू. दैट इज वन इंटरप्रिटेशन दैट इट इज रेवेन्यू. अनदर इंटरप्रिटेशन कुड हैव बीन दैट इट इज कैपिटल, तो दे हैव टेकन इट एज कैपिटल and not adjusted it. Another interpretation can be it is revenue and deducted. That can be another interpretation. मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि revenue है और minus कर देना चाहिए. ठीक है, वो एक interpretation है. Next point, serial number 7 का बचा है अपना 6. The company lost cash of rupees 25 lakhs due to theft which it was withdrawn from the bank and taken to the administrative office. It is not insured and hence fully charged to the revenue account. हमने क्या किया कि हमारा कैश चोरी हो गया. कैश चोरी हो गया तो हमने उसको P&L में डेबिट कर दिया. क्या सही किया? क्या बिजनेस लॉस का डिडक्शन मिलता है? हाँ मिलता है, अगर 3 कंडीशन फुलफिल होती है. इट इज रियल revenue and incidental to business. So it is real revenue and incidental to business. Business loss का हमको deduction मिलेगा. खत्म. Now I am coming to the 7th point. अच्छा, business loss का deduction मिलेगा, P&L में debited है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. 7th point. 5 lakhs was spent during the year towards permitted CSR activities as per section 135 of the Companies Act. This is charged to P&L account. CSR का खर्चा allowed है या disallowed? CSR का खर्चा, CSR पता है? Corporate Social Responsibility. उसका खर्चा allowed है या disallowed? उसका खर्चा disallowed है. Disallowed कहां दिया ऐसा? Backing up. Section 37 का explanation 2. Explanation 2 to section 37, CSR का खर्चा disallowed. Disallowed है मतलब क्या करेंगे? Add back. P&L में debited है, debit नहीं होना चाहिए. Plus करो भाई. Plus 5 lakhs. Next 8th point. It paid rupees 2 lakhs to share broker for transacting shares listed in stock exchange and rupees 1 lakhs to commodity broker for commodity transaction at MCX. Both the amounts are debited to P&L account and no tax was deducted at source. Oh. Share खरीदने के लिए हमने ब्रोकरेज पे की और कमोडिटी की ब्रोकरेज पे की. क्या इस पर TDS काटना था? हमने TDS नहीं काटा. क्या इस पे TDS काटना था? आंसर यह है कि जब हम शेयर को खरीदते हैं और कमोडिटी को खरीदते हैं, उसको खरीदते समय TDS काटने की जरूरत ही नहीं है. शेयर एंड डेरिवेटिव्स की जो ब्रोकरेज होती है, दैट ब्रोकरेज इज नॉट लाइबल फॉर TDS. कमीशन और ब्रोकरेज का जो TDS का सेक्शन है 194H में एग्जम्पशन दिया है दैट शेयर कमीशन एंड ब्रोकरेज इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द TDS. तो TDS नहीं काटना था, TDS नहीं काटना था और TDS नहीं काटा. क्या बुरा किया? कुछ नहीं. अलाउड है या डिसअलाउड? अलाउड. नहीं काटना था, नहीं काटा. हाउ कैन देयर बी अ डिसअलाउंस फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ TDS? डिसअलाउंस तो तब होगा जब अपने को TDS की ऑब्लिगेशन थी, तो यहां कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं थी, इसलिए आपको खर्चा अलाउड है. अलाउड है, P&L में डेबिटेड है, क्या करेंगे? कुछ नहीं. चलो अब 9th पॉइंट. The company during the year employed 115 new workers, which was 20% of the existing workforce. If you are aware of that section 11 of the section 80JJAA, तो उससे संबंधित ये पॉइंट है. 80JJAA के अंतर्गत ये होता है कि अगर हम न्यू रेगुलर वर्कमैन को अपॉइंट करते हैं तो उनकी सैलरी का 30% हमको डिडक्शन मिलता है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम नए वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं तो हमको उनकी सैलरी की 30% डिडक्शन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ दिस व्हाट यू कॉल इट एज अ डिडक्शन. चैप्टर 6A का डिडक्शन होता है.
अब मैं अभी ज्यादा टेक्निकलिटी में ना जाते हुए आपको कह देता हूं कि इसका 80JJA में आपको डिडक्शन मिलेगा। बिजनेस हेड के क्वेश्चन में सिर्फ बिजनेस हेड नहीं आता है, कुछ चीजें और भी बीच बीच में पूछ ली जाती है। सो दिस इज समथिंग दे हैव आस्क्ड, जो कि बिजनेस हेड का क्वेश्चन नहीं है, पर वो भी उन्होंने यहां पर पूछ लिया है। इट पेड 50,000 टू एन इलेक्ट्रल ट्रस्ट बाय कैश एंड 1 lakh बाय चेक टू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, बोथ द अमाउंट्स हैव बीन डेबिटेड टू द P&L अकाउंट। अभी पॉइंट ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट्स हैं, एक तो ये बिजनेस हेड में अलाउ नहीं होंगे, तो इनको बिजनेस हेड से हटा दो। P&L में डेबिटेड है 1.5 lakh रुपए, तो ये 1.5 lakh को ऐड कर दो। P&L में डेबिटेड है, डेबिट नहीं होना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन है, ये डिसअलाउ करो। और इनका डिडक्शन हमको 80JJB और GGC में मिलता है। कंपनी है तो GGB या C? कंपनी है तो GGB या C? GGB, GGB में डिडक्शन मिलेगा। और GGB में ऐसा है कि वहां पे लिखा हुआ है कि इफ द पेमेंट इज बाय कैश तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पे वो जो कैश वाला एक है, कैश वाला कितना है 50, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80JJB में डिडक्शन कितना मिलेगा, 1 lakh रुपए, 1 lakh का 80JJB का डिडक्शन मिल जाएगा। ये इसका ट्रीटमेंट है। अभी क्वेश्चन पूरा हो जाता है। एक चीज, आप 80JJA का डिडक्शन माइनस कर लो, क्योंकि वो अपन ने अभी ऐसा डिस्कस नहीं किया है। तो 8,40,000 का जो 80JJA का डिडक्शन है वो भी माइनस कर लो, अब शायद आपका आंसर आ जाना चाहिए। आ रहा है। अच्छा, यहां एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, द प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट इन द क्वेश्चन। सिर्फ इसके पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, पहले के जो भी क्वेश्चन हम कर रहे थे, उन क्वेश्चन की खासियत ये थी कि उसमें हमारा बेसिक आंसर छोटा था और हमको सारी रीजनिंग हम फुटनोट के रूप में लिख रहे थे। That is what we were doing, right? अब जो हमारे सामने अभी हमने क्वेश्चन किया है, इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल ये है कि हमने हर पॉइंट की रीजनिंग भी वहीं लिख दी और नीचे फुटनोट कुछ नहीं लिखा है। नीचे देर इज नो फुटनोट, है ना? नाउ द रियल क्वेश्चन इज, कौन सा प्रेजेंटेशन स्टाइल बेटर है? ठीक है, एग्जाम में कौन सा प्रेजेंटेशन स्टाइल अडॉप्ट किया जाना चाहिए? तो मेरा आंसर उसका सुन लो, कौन सा प्रेजेंटेशन स्टाइल बेटर है। उसका आंसर यह है कि ये जो सेकंड स्टाइल है, जो अभी अपन ने रिसेंटली इस क्वेश्चन में किया, ये बेटर है। इसमें 2-3 फायदे ये होते हैं कि एक तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको जगह नहीं छोड़नी है, नहीं तो आपको एक जगह छोड़ने वाली बात आती है कि मैं कितनी जगह छोड़ूं। आंसर एक पेज में आएगा, फिर पीछे फुटनोट लिखना चालू किया, और होता यही है कि अपन जो जगह छोड़ते हैं, मतलब वो या तो बहुत कम पढ़नी है या बहुत ही ज्यादा हो जानी है, तो वो गड़बड़ी होना है, वो फिट तो होना ही नहीं है। तो अपन ने क्वेश्चन लिखना चालू किया, एक पेज छोड़ा और फिर नीचे वर्किंग नोट बनाना चालू किया और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया, एक पेज में तो आंसर आ ही नहीं रहा है। अब क्या करें? तो अपन ने फिर एक ही लाइन में 2-2 लिखना चालू किया, फिर वो भी करते करते अपन नीचे आ गए तो भी नहीं खत्म, तो पेज के ऊपर लिखना चालू किया, कुछ गड़बड़ हो जाता है और पूरा ऐसी तैसी हो जाती है प्रेजेंटेशन की, फ्रस्ट्रेशन आता है कहीं ना कहीं। तो मेरा यह कहना है कि दिस प्रेजेंटेशन स्टाइल विल सेव यू फ्रॉम दैट एस्टिमेशन कि हमको कितना एस्टिमेट करके प्रेजेंटेशन करना चाहिए, वो एस्टिमेशन से आप बच जाओगे, ये इसकी खासियत है। दूसरा यह है, कॉपी चेकर को भी बार बार पेज नहीं पलटने पड़ेंगे। नहीं तो आपने पहला पॉइंट लिखा कि ये वेवर ऑफ लोन जो है वो कैपिटल रिसिट है और आपने यहां एडजस्ट कर दिया, फिर कॉपी चेकर पीछे फुटनोट में जाके ढूंढ रहा है कि क्या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लिखा कि नहीं, फिर वो टिक करके मार्क दे देता है, ऐसे में 2-4 पॉइंट में वो बेचारा मार्क देना भूल जाता है। ठीक है, आपने आंसर करना चालू किया, 6 पेज का आंसर है, अब 6 पेज के आंसर में वो बार बार पेज पलट रहा है, पहले पेज पे टिक करता है, फिर 6ठे पेज पे जाके उसका रीजनिंग टिक करता है और 2-4 पॉइंट में वो मार्क्स देना भूल गया। आप तो परेशान होते हो, आप आ जाते हो यूट्यूब पे, ठीक है, कि साहब इनने मार्क्स नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? वो बेचारा भी इंसान है और वो 200 लोगों की कॉपी चेक कर रहा है, उससे गलती हो सकती है। एंड देर इज ह्यूमंस कैन हैव एरर, ठीक है, एरर तो हो सकता है। मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि मतलब देखो ऐसी सब बातें हैं और इसको ध्यान में रखते हुए ये समझो बात को कि इस प्रेजेंटेशन में कॉपी चेकर को भी सहूलियत रहेगी, हाथों हाथ उसको रीजनिंग भी दिखती जाएगी, तो उसका करेक्ट है तो मार्क्स भी मिल जाएंगे,
इनकरेक्ट है तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे. इसमें गलती में कभी वो मार्क्स दे भी देता है तो आप नहीं आते यूट्यूब पे कि साहब ये तो हमने गलत किया था, फिर भी टिक करके उसने दो नंबर दे दिए, तो कोई नहीं आता है. गलती अगर अपने खिलाफ होती है तो अपन आ जाते हैं, वो सही भी है. ठीक है, दैट इज द पॉइंट विच इज देयर. चलो ये अगला क्वेश्चन होता है, रिमेंबर द प्रेजेंटेशन स्टाइल एंड अनलेस यू डू द क्वेश्चंस विद प्रेजेंटेशन एक्चुअली यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट इन द एग्जाम. एग्जाम में एक्सपेरिमेंट के लिए मत छोड़ देना कुछ कि अपन एग्जाम में ही जाके करके देख लेंगे एक बार, ऐसा नहीं करना है. ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अभी अपन ओरली डिस्कस कर रहे हैं, पर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको एग्जाम एनवायरमेंट में करनी चाहिए, एग्जाम हॉल में करनी चाहिए, तब जाके वो चीज ठीक होगी. ठीक है, दैट इज एग्जाम एनवायरमेंट में करके देखो. 10 क्वेश्चन तो कम से कम करो बिजनेस हेड के, विथ एग्जाम एनवायरमेंट, विथ एग्जाम सिचुएशन, विथ प्रेजेंटेशन, तो यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की देखो क्या प्रॉब्लम्स आती है, टाइम कितना लगता है. पता चला बहुत टाइम लग गया क्वेश्चन को करने में तो अपने बाकी क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा. 16 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 24 मिनट लगने चाहिए. ज्यादा लग गए तो आप दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, समय तो लिमिटेड है ना एग्जाम में. तो यू हैव टू डू फॉलो ऑल दैट थिंग, टाइम कितना लग रहा है, प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है, उस समय सब चीजें क्लिक हो रही है कि नहीं. और इसका कोई तरीका नहीं है, क्लास में पढ़ के ये नहीं हो सकता, इट कैन बी डन ओनली बाय डूइंग द क्वेश्चंस, दैट इज इट. चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102. नाउ क्वेश्चन 102, यू कैन रीसेट योर कैलकुलेटर एंड लेट अस स्टार्ट बैक. अभी ये क्वेश्चन करो, देखो यू विल गेट अ फील. अपन फटाफट अब दो क्वेश्चन करते हैं और यहां से मैंने सारे क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन वही स्टाइल में रखा है कि फुटनोट नहीं लिखे, यहीं पर उसका रीजनिंग देते गया. जैसा कि मेरा कहना है कि दिस इज अ बेटर रीजनिंग, पर कई बार वैसे भी किया जाता है, कुछ लोग वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो मैंने बताया दोनों है, पर आपको फॉलो क्या करना है उस पर मैंने एम्फेसाइज किया है. नाउ क्वेश्चन 102, द बेस फिगर फॉर यू इज असेसी इज अ कंपनी एंड द बेस फिगर इज 75 लाख. नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट इज 75 लाख, सो यू कैन सेट इट 75 लाख ऑन योर कैलकुलेटर. अभी यहां पर देखो अच्छी बात, आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स, तो दैट मेक्स इट क्लियर कि ये एडजस्टमेंट क्या करना है. इट इज ऑलरेडी डेबिटेड. और फिर नीचे दिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब ये वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो P&L के अलावा है. चलो बहुत फटाफट से पढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको, इतना सिंपल क्वेश्चन है. एक आध एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी इजी है. ₹2 लाख कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉइज वेलफेयर ट्रस्ट, एम्प्लॉइज वेलफेयर ट्रस्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय ग्रेच्युटी फंड, कोई भी फंड होगा, एम्प्लॉय के वेलफेयर फंड में हमने ₹2 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन किया. क्या ट्रीटमेंट होता है इसका, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉईज वेलफेयर फंड. इसका ट्रीटमेंट यह होता है कि अगर ये अप्रूव्ड फंड है तो अलाउड है, अदर देन अप्रूव्ड फंड है तो डिसअलाउड है ना, रिमेंबर दैट. एक तो ये है और दूसरा वो ड्यू डेट वाला झगड़ा होता है, ड्यू डेट तक जमा कर दिया तो अलाउड, ड्यू डेट तक नहीं जमा किया तो डिसअलाउड. अभी वो ड्यू डेट वाला झगड़ा नहीं है क्योंकि डेट वेट तो दी नहीं है, तो यहां झगड़ा है कि अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड. क्या लिखा है, अप्रूव्ड या अनअप्रूव्ड, अप्रूव्ड लिखा है क्या, अनअप्रूव्ड लिखा है क्या. अजम्पशन ले लो, क्या अजम्पशन लोगे, अप्रूव्ड. अप्रूव्ड है क्या करोगे, अलाउड. अलाउड है P&L में, डेबिटेड है क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे. दैट इज योर अजम्पशन. आई डोंट नो आंसर सॉल्व करते समय उन्होंने क्या अजम्पशन लिया, उन्होंने इसको अनअप्रूव्ड मान लिया, दैट इज देयर अजम्पशन. कोई हर्ज नहीं है, अजम्पशन तो अलग अलग लिए जा सकते हैं, है ना, लिख जरूर देना इट इज अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड. चलो आगे, 12 लाख पेड टूवर्ड्स द कोर्स फीस ऑफ, दिस इज गुड, कोर्स फीस एंड होस्टल एक्सपेंसेस ऑफ MBA कोर्स ऑफ अ क्लोज रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, द रिलेटिव इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट. कंपनी ने डायरेक्टर के रिलेटिव का, डायरेक्टर के सन का, डॉटर का हायर एजुकेशन स्पॉन्सर किया, और अगर ये एम्प्लॉय नहीं है तो क्या कंपनी को इस खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा. कौन सा केस है, दो है, नई दुनिया, नई दुनिया का केस में तो ये हुआ था, नई दुनिया न्यूज एंड प्रिंट की, उसमें कहा गया था कि ये एम्प्लॉय है और क्योंकि ये एम्प्लॉय है तो इसलिए डिडक्शन मिलेगा. और एक और था इचजे फोर्जिंग्स, जिसमें इट वॉज प्रूव कि एम्प्लॉय नहीं है और क्योंकि एम्प्लॉय नहीं है इट इज डिसअलाउड. तो अपन इचजे फोर्जिंग्स लिख दें, अप्लाइंग द जजमेंट ऑफ इचजे फोर्जिंग्स द पेमेंट ऑफ दिस, पेमेंट ऑफ दिस MBA कोर्स फीस इज डिसअलाउड.
डिसअलाउड P&L में डेबिटेड है, क्या करेंगे? प्लस करो प्लस. अगला थर्ड पॉइंट, 3,50,000 बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल. गुड, वेरी गुड. ट्रैफिक सिग्नल लगाने का खर्चा, ये ट्रैफिक सिग्नल लगा के हमको तो फायदा हुआ ही, दूसरों को भी फायदा हुआ. अलाउड और डिसअलाउड? अलाउड. इंसिडेंटली दूसरों को भी फायदा होता है तो चलेगा. ट्रैफिक सिग्नल लगाने से हमको एंड्यूरिंग बेनिफिट हुआ, पर हमारी ओनरशिप में कोई असेट नहीं जनरेट हुआ. रेवेन्यू और कैपिटल, ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया, सालों तक हमको सहूलियत रहेगी, तो हमको एंड्यूरिंग बेनिफिट हुआ, पर हमारी ओनरशिप में कोई असेट जनरेट नहीं हुआ. अलाउड और डिसअलाउड? मतलब कैपिटल और रेवेन्यू? रेवेन्यू. अप्लाइंग द टेस्ट ऑफ कैपिटल असेट जनरेशन, नो असेट इज जनरेटेड इन द हैंड्स ऑफ द असेसी, द एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू है, P&L में डेबिटेड है, अलाउड. Nothing to be done. 3 lakhs spent on gift items distributed to various dealers under the company's sales incentive scheme. Gift item distribute किए, क्या business का खर्चा है? Revenue का खर्चा है? Yes. Revenue, advertisement expenses are wholly and exclusively for business allowed. ये क्यों दे दिया फिर? इतना simple है. Advertisement का खर्चा, business का खर्चा allowed है. इसमें क्या तकलीफ है? Cash में भी नहीं pay किया है, ऐसा भी नहीं लिखा है, TDS नहीं काटा, कुछ भी नहीं. क्यों दे दिया ये? क्योंकि आप कंफ्यूज होते रहो, कुछ तो होगा, ठीक है? इसलिए ऐसा होता है एग्जाम में, दिमाग कुछ तो होगा, ऐसा थोड़ी होगा, ये क्यों दे दिया? कुछ भी नहीं होगा इसमें भाई, कुछ भी नहीं करना है, जबरदस्ती दिया है. नेक्स्ट, 6 lakhs बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड. हाँ, गुड. फॉरेन ट्रैवल ऑफ द वाइफ ऑफ द डायरेक्टर. क्या डायरेक्टर के साथ अगर वाइफ भी फॉरेन ट्रैवल पे जाती है, वो अलाउड है या डिसअलाउड है? अलाउड है. इन दी मॉडर्न टाइम्स इट इज अ प्रैक्टिस कि डायरेक्टर अकेले फॉरेन ट्रैवल पर नहीं जाते हैं, वाइफ भी उनको अकंपनी करती है. केस लॉ का नाम हीरो होंडा मोटर्स. हीरो होंडा मोटर्स के केस में इट वॉज हेल्ड दैट द वाइफ अकंपनीज द डायरेक्टर इन द मॉडर्न टाइम्स, एंड देयरफॉर दिस एक्सपेंडिचर इज अलाउएबल बिजनेस एक्सपेंडिचर. अलाउएबल है, P&L में डेबिटेड है, क्या करेंगे? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें, ज्यादा ऐसे ही दिया है कि कुछ करना नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट, 3 lakhs बीइंग अमाउंट पेड इन मार्च 2019 कॉन्सिक्वेंट अपॉन द चेंज इन करेंसी ड्यू टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर ऑफ द मशीनरी. हमने सप्लायर को 3 lakh रुपए जो है फॉरेन एक्सचेंज लॉस पे किया, एक्सेस पेमेंट किया. ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस कैपिटल अकाउंट का है. फॉरेन एक्सचेंज लॉस अगर कैपिटल अकाउंट का होता है तो P&L में जाएगा या WDV से एडजस्ट होगा? WDV से एडजस्ट होगा. तो ये जो 3 lakh का फॉरेन एक्सचेंज लॉस है P&L में डेबिटेड है, डेबिट नहीं होना चाहिए. क्या करोगे? ऐड करो, 3 lakh को ऐड करो. और डिप्रिसिएशन की जहां तक बात आती है, इस 3 lakh के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए. 3 lakh का लॉस हो गया, आपकी WDV बढ़ गई, WDV बढ़ गई मतलब 3 lakh पे डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए. तो प्लांट एंड मशीनरी का है ये, तो 3 lakh का प्लांट एंड मशीनरी का 15% से डिप्रिसिएशन निकाल लो. अज्यूमिंग प्लांट वॉज यूज फॉर मोर देन 180 डेज, अज्यूमिंग प्लांट वॉज यूज फॉर मोर देन 180 डेज, 3 lakh का 15% निकालो, कितना आया? 45,000. उसको माइनस कर दो, माइनस 45,000 कर दिया. क्या? 3 lakh एड, 45,000 माइनस, ठीक है. फिर अगला पॉइंट आता है, 18,000 and 9,000 पेड इन कैश ऑन 25 अक्टूबर बाय 2 separate vouchers. सिंगल डे में सिंगल पर्सन को सिंगल एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया. 1,18, 1,9 एग्रीगेट करेंगे क्या? एग्रीगेट है ना, एग्रीगेट ऑफ एक्सपेंडिचर दोनों को मिला के पेमेंट है 27,000. सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 27,000 का कैश का पेमेंट है, जो ऑब्वियसली 10,000 से तो ज्यादा ही है. तो खर्चा अलाउड या डिसअलाउड? डिसअलाउड. 27,000 डिसअलाउड, प्लस करो 27,000. इंटरेस्ट ऑफ 2 lakhs वॉज पेड इन मार्च 2019 टू अ कंपनी ऑन अ लोन टेकन फ्रॉम अ कंपनी. हमने किसी कंपनी से लोन लिया और वो जो लोन लिया था उस पर ब्याज का पेमेंट किया. TDS जुलाई में जमा किया. ध्यान देना, TDS कब काटा? मार्च में. जमा कब किया?
जुलाई में, क्या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा कर दिया? अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा कर दिया तो अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड. पी एंड एल में डेबिटेड है और अलाउड है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन. अब ये इंपॉर्टेंट है. प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. पिछले साल ऑडिट फीस का प्रोविजन किया था. फाइनेंशियल ईयर 17-18 में ऑडिट फीस 6 लाख रुपए का प्रोविजन किया था. 17-18 में 6 लाख ही है, पर 6 लाख रुपए उस साल डिसअलाउ हो गए थे क्योंकि उस पर टीडीएस नहीं काटा था. उस साल तो टीडीएस नहीं काटा था, इस साल अक्टूबर 18 में हमने टीडीएस काट के जमा कर दिया. पिछले साल टीडीएस नहीं काटा था तो खर्चा पिछले साल अलाउ हुआ होगा या डिसअलाउ हुआ होगा? डिसअलाउड. कितना? 100% या 30%? 30%. ऐसा तो नहीं लिखा ऑडिटर इज अ नॉन रेसिडेंट. 30%. तो 6 लाख का 30% मतलब 180 डिसअलाउ हो चुका होगा. उस समय 180 डिसअलाउ हो गया, पर इस साल टीडीएस काट लिया, इस साल काट के जमा कर दिया, तो इस साल 180 अलाउ होना चाहिए. क्या ये इस साल के पीएनडीएल में डेबिट होगा? नहीं होगा. अलग से भी दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन. कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था और उसमें इंस्टीट्यूट से गलती हो गई थी, उन्होंने लिख दिया था इट इज ऑलरेडी डेबिटेड टू पीएनडीएल अकाउंट. याद है कल वाला क्वेश्चन? बताओ. तो फिर मैंने कहा था कि भले उन्होंने ऐसा लिख दिया इट इज ऑलरेडी डेबिटेड, हम तो अज्यूम कर लेंगे इट इज नॉट डेबिटेड. और अज्यूमिंग दैट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 96. इसका ये फुटनोट देखो. Although the question uses the phrase already debited credited, however it is assumed that it is not debited. वो TDS वाला पॉइंट है और वहां पे हमने अज्यूम कर लिया था कि इस साल कैसे डेबिट हो सकता है. और अपन ने कहा था अकाउंटिंग का इंस्टीट्यूट है. ठीक है, एग्जाम में अपन ऐसा कह के आ गए कि कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, अकाउंट्स में ऐसा संभव ही नहीं है. ठीक है, ऐसा कल कहा था मैंने, याद है बात? अब सोचो वहां इंस्टीट्यूट से गलती हुई, अगली बार क्वेश्चन पूछा, गलती सुधार के पूछा. उन्होंने यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में उस चीज को दिया है. तो बहुत ही क्लियरली और बहुत ही प्रिसाइजली बात अब क्लियर है कि ये जो खर्चा है ये पीएनडीएल में डेबिटेड नहीं है. एडिशनल इंफॉर्मेशन है, डेबिटेड नहीं है पर डेबिट होना चाहिए. क्या करोगे? डेबिटेड नहीं है और डेबिट होना चाहिए, क्या करोगे? माइनस करो. माइनस पिछले साल हमने खर्चा डेबिट किया, उसका 30% डिसअलाउ हो गया. पिछले साल डेबिट हो गया तो वापस इस साल थोड़ी डेबिट होगा. इस साल डेबिट नहीं किया पर इस साल अलाउ होना चाहिए 30%. 180 को अलग से माइनस करेंगे. नेक्स्ट बी पॉइंट. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज शेयर्स 10,000 शेयर्स ऑफ वीके प्राइवेट लिमिटेड एट 40 पर शेयर. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 60 पर शेयर. सस्ते में शेयर खरीदना, सस्ते में शेयर खरीदने पर कोई टैक्स लगता है क्या? सस्ते में शेयर खरीदने पे कोई टैक्स लगता है क्या? इट इज गिफ्ट, रिसीट विदाउट कंसिडरेशन. कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? अदर सोर्सेस. बिजनेस हेड में मैंने कहा दूसरे भी आएंगे. सस्ते में शेयर्स खरीदना इज रिसीट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. 60 रुपए का शेयर 40 रुपए में खरीदा, 20 रुपए गिफ्ट है. 20 रुपए इंटू 10,000 शेयर्स, 20,000 रुपए गिफ्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. क्या कंपनी को भी गिफ्ट टैक्स लगता है? गिफ्ट टैक्स तो इंडिविजुअल को लगना चाहिए. क्या कंपनी को भी गिफ्ट टैक्स लगता है? सबको लगता है. इट अप्लाइज ऑन ऑल असेसीज. ठीक है, अदर सोर्सेस देख लेना. गिफ्ट टैक्स अप्लाइज टू ऑल असेसीज. इनकम टैक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है उसमें. ठीक है, कोई बात को नहीं है, टेंशन की बात नहीं है. ये पीएनडीएल में तो क्रेडिट होगा नहीं, अकाउंट्स में तो ऐसा होता नहीं है कि इस नोशनल इनकम को बुक कर लेते. इसीलिए देखो सोच समझ के उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है. पीएनडीएल में क्रेडिटेड नहीं है, क्रेडिट होना चाहिए. ये 2 लाख को क्रेडिट करो, प्लस करो 2 लाख अदर सोर्सेज में. 56(2) के अंतर्गत ये टैक्सेबल है. अभी शायद ये इनकम आ रही है क्या? एक 2 लाख का डिफरेंस है. वो एक अपन ने एडजस्टमेंट में कहा था ना कि इन्होंने ये वेलफेयर ट्रस्ट वाला, अपन ने उसको मान लिया था कि दिस इज समथिंग विच इज अप्रूव्ड है ना, अलाउड. और इन्होंने अज्यूम कर लिया दिस इज समथिंग विच इज अनअप्रूव्ड. अजम्पशन बेस्ड आंसर चेंज हो सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है. ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हो गया. चलो और करते हैं आगे क्वेश्चन.
अच्छा यहां टैक्स भी निकालना था तो ये टैक्स निकाल दिया मैंने 92 लाख पे 25% कंपनी का रेट होता है ना 25%, और बहुत बड़ी कंपनीज में रेट होता है 30%। हम जनरली अज्यूम कर लें, ऐसा लिख के भी आ जाए, मैंने भी लिखा है, इट इज अज्यूम दैट द रेट ऑफ टैक्स इज 25% प्लस सेस। 1 करोड़ तक की इनकम होती है तो सरचार्ज नहीं लगता है, तो सिर्फ सेस ऐड किया 4%। अब 4% है सेस, है ना। अगला क्वेश्चन 5.103। एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बिजनेस 35 AD, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। पर ये 35 AD का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो डेटा दिया है वो 35 AD का नहीं दिया है, तो अपन वैसे कर लें, ठीक है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द टैक्स पेएबल, टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल बट इग्नोर मैट, तो अपने को सिर्फ नॉर्मल टैक्स निकलना है, ठीक है। चलो अभी लेट अस स्टार्ट बैक। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 500, नेट प्रॉफिट एज पर P&L लिखो कैलकुलेटर में, स्टार्ट करो 500। नंबर वन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द अकाउंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी ये काफी हद तक वैसे ही क्वेश्चन है जो अपन कर चुके हैं, पर लेट अस डू इट। डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड इज 30, P&L में डेबिटेड है 30, क्या करोगे, एड करो 30, और नॉर्मल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स इज 28, नॉर्मल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स है 28, क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस, ठीक है। कंपनी ने इस साल 100 लाख का एडिशन किया है, तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है और उन्होंने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो माइनस आपने किया 28, वो किया नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब आपको माइनस करना चाहिए 100 लाख का 20%, 100 लाख का 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन। 20 क्यों, क्योंकि मोर देन 180 डेज है। 20 क्यों, अज्यूमिंग इट इज नॉट लोकेटेड इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। यू कैन राइट इट दैट वे कि इट इज टेकन दैट इट इज नॉट लोकेटेड इन अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, तो 20% की रेट से एडिशनल डिप्रिसिएशन आप माइनस कर लो, ठीक है ना बात। चलो आपने कर लिया दोनों, माइनस 28 माइनस 20। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, कंपनी मेड दी फॉलोइंग पेमेंट्स इन कैश। 4 अगस्त को बैंक की हॉलीडे थी, स्ट्राइक थी, कैश पेमेंट चलेगा क्या, रूल 6DD में चलता है क्या, हां। 5 जून को सप्लायर ने कैश मांगा, इसलिए 7 लाख का पेमेंट कर दिया। सप्लायर कैश मांग ले तो चलता है क्या, नहीं, तो करो डिसअलाउ। 40A(3) में डिसअलाउंस होगा, ठीक है, कैश पेमेंट ओवर एंड अबाउट 10,000। 30 सितंबर को 10 लाख का कैश में पेमेंट किया, क्योंकि बैंक की छुट्टी थी, बैंक की छुट्टी थी, कैश पेमेंट चलता है क्या, चलता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। अच्छा इसमें एक चीज, ये मतलब यहीं पर नोट्स में क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग है, ये जो नंबरिंग है 1, 2, 3, 4 एग्जाम में ये नहीं किया हुआ था, ये मैंने आपको करके दिया है, तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, मेरे से एक गलती है इसमें। ये भी कैश में पेमेंट है ना, यहां लिखा नहीं है कैश में पेमेंट है, पर उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है, कंपनी मेड दी फॉलोइंग पेमेंट्स इन कैश, तो ये भी कैश में पेमेंट है ना, ऐसा मत क्वेश्चन कर लेना साहब इसमें कहां लिखा है कैश, ये भी कैश में है, एग्जाम में बिल्कुल ये कैश पेमेंट का ही कंटिन्यूएशन है। पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर कैश में, ट्रांसपोर्टर को कैश पेमेंट 50,000, अलाउड और डिसअलाउड, डिसअलाउड करो, डिसअलाउ 50,000 प्लस 0.5 रुपीज इन लैक्स है ना। फिर 8 जनवरी को 75,000 कैश में, डिसअलाउ होगा, करो प्लस 0.75 लैक्स में। और 2 मार्च को 32,000 कैश में, ट्रांसपोर्टर की लिमिट कितनी होती है 35, ये लिमिट के अंदर है, डिसअलाउ नहीं होगा। P&L में डेबिटेड है, डेबिट होना चाहिए, क्या करेंगे, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन आता है 5 लाख कंट्रीब्यूशन टू यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड, यूनिवर्सिटी अभी सुबह आज किया, यूनिवर्सिटी को कंट्रीब्यूशन कितना, 150 या 100, अज्यूमिंग इट इज साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, डोनेशन इज गिवन फॉर साइंटिफिक रिसर्च 150। 5 लाख डेबिटेड है, करो 5 प्लस, और 5 का 150 माइनस करो, है ना 7.5, 5 का 150% अलाउड। सेल्स टैक्स रुपीज 1.45 लाख पर्टेनिंग टू द ईयर वॉज पेड ऑन 10/12/2018, समझना,
पिछले साल का सेल्स टैक्स था 31 मार्च 18 का, इस साल पे किया है ना, तो इस साल अलाउ होगा, ठीक है ना, इस साल अलाउ होगा। यहां पे फिर क्वेश्चन में उनसे गलती हो गई, पिछले साल का सेल्स टैक्स 17-18 का किस साल के पीएनडल में डेबिट होगा, 17-18 के, और वहां डिसअलाउ हो गया बिकॉज इट वॉज नॉट पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये सेल्स टैक्स का इस साल हमने पेमेंट किया, इस साल के पीएनडल में वापस से थोड़ी डेबिट आ जाएगा, वापस से डेबिट नहीं आ जाएगा, पर उनसे गलती हो गई कि उनने लिख दिया आइटम्स डेबिटेड क्रेडिटेड टू पीएनडल अकाउंट। तो फिर मैं अपनी तरफ से एक अजम्पशन ले लेता हूं कि साहब ये भले ही क्वेश्चन कहता है आइटम इज डेबिटेड टू द पीएनडल, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये वापस से इस साल पीएनडल में डेबिट होगा, तो ये इस साल अलाउड है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि डेबिटेड नहीं है और अलाउड है। अच्छा, सेक्शन कौन सा है इसका? टैक्स का पेमेंट बेसिस पर ही डिडक्शन मिलता है, 43B है ना, 43B सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा। तो इस साल में डिडक्शन मिलेगा, पीएनडल में डेबिटेड नहीं है पर डेबिट होना चाहिए, क्या करेंगे, माइनस करो, माइनस। आई डोंट नो आंसर में उन्होंने क्या किया है, मेरे को मतलब भी नहीं है आंसर में जो भी किया हो, मैं अपनी तरफ से उसका लॉजिक बता रहा हूं जैसा अपन करते आ रहे हैं। गलती है कि उसको अलग से देना चाहिए था, उन्होंने यही दे दिया। चलो आगे चलते हैं, सीरियल नंबर 7 पे, रेंट पेड एंड प्रोफेशनल चार्जेस टू कंसल्टेंट इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स वॉज रुपीज 5,61,800 एंड 2,24,000 एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली, टीडीएस वॉज नॉट डिडक्टेड ऑन सर्विस टैक्स कंपोनेंट। ये क्वेश्चन बिजनेस हेड का ना होते हुए अगेन मेनली टीडीएस का है। हमने किसी को पेमेंट किया, टीडीएस काटना था, पर अब हमको क्या सर्विस टैक्स कंपोनेंट या जीएसटी कंपोनेंट पे भी टीडीएस काटना है? इसका आंसर वहां हमने दिया था टीडीएस के चैप्टर में। देयर वॉज अ केस लॉ राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहता है कि सर्विस टैक्स कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। तो सर्विस टैक्स कंपोनेंट पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं थी, हमने टीडीएस नहीं काटा। कोई गलत किया क्या? नहीं किया, टीडीएस काटना ही नहीं था और टीडीएस नहीं काटा, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। कौन से चैप्टर में कहां कौन सा केस लॉ आ रहा है? देखो आप बिजनेस हेड का क्वेश्चन आप जंप करके जाओ टीडीएस में और टीडीएस के केस लॉ को देखो और वहां देखो कि भाई सर्विस टैक्स कंपोनेंट पे टीडीएस काटना था या नहीं काटना था। सीरियल नंबर 8, कंपनी हैज इंपोर्टेड 1000 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ सप्लायर इन यूएस एट द रेट ऑफ $75 है ना पर केजी ऑन 29th March 2018। अभी अमाउंट देखो, हमने कितना इंपोर्ट किया, 1000 केजी और $75 पर केजी के रेट पे इंपोर्ट किया, मतलब हमको पेमेंट कितना करना था, $75,000। रुपी टर्म्स में कुछ और होगा, वो $75,000 का पेमेंट करना था। किस चीज के लिए? रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। लेटर ऑन डॉलर के रेट चेंज हो गए, उस समय डॉलर का रेट था 59 और जब हमने पेमेंट किया तो डॉलर का रेट हो गया 62। इंपोर्ट किया था तब रेट कितना था, 59, पर जब इस साल पेमेंट किया करंट ईयर में 20 जनवरी 2019 को तो डॉलर का रेट कितना हो गया, 62। तो ₹3 पर डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज गेन हुआ या लॉस? लॉस हो गया, 59 की जगह 62 पे करने पड़े। ये जो ₹3 का लॉस हो गया हमको, ये हमको इस साल अलाउड है, फॉरेन एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस ऑन रेवेन्यू अकाउंट है ये रॉ मटेरियल के बारे में। तो ₹3 मल्टीप्लाइड बाय 75,000, $75,000 पे करने थे, उसमें ₹3 पर डॉलर का लॉस हुआ, कितना आ जाता है, 2,25,000। ये 2,25,000 पीएनडल में डेबिटेड है, डेबिटेड है और डेबिट होना चाहिए, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लिखा ना आफ्टर डेबिटिंग द आइटम्स, तो ये डेबिटेड ही होगा और क्या, इतनी कहानी जो लिखी है ये डेबिटेड है, डेबिट होना चाहिए, क्या करेंगे, कुछ नहीं। कहीं लिखा तो नहीं इट इज नॉट डेबिटेड, ऐसा नहीं लिखा है ना। चलो आगे, 9th पॉइंट, कंपनी हैज ऑल्सो परचेस्ड गुड्स ऑफ 55 लाख फ्रॉम एबीसी लिमिटेड इन विच द डायरेक्टर्स हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मार्केट वैल्यू इज 54 लाख। 54 की मार्केट वैल्यू है, 55 में खरीदे, तो एक्सेसिव पेमेंट कितना किया, 1 लाख। एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट डिसअलाउ होता है, सेक्शन कौन सा है,
48(2), है ना, excessive and unreasonable payment to director and their relatives or sister concerns is disallowed. 1 lakh रुपए को disallowed कर दो, plus 1 lakh. The company has incurred legal expenses of the following. Issue of bonus shares. अब ये तो आ जाना चाहिए. Question ही तीसरी बार आ रहा है. Bonus share issue करने का खर्चा revenue या capital? Revenue. Case law का नाम. Very good. General insurance company. P&L में debited है, debit होना चाहिए. क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. Case law है general insurance company. Alteration of memorandum of association 2 lakhs in connection with increased in authorized capital. Authorized capital बढ़ाने का खर्चा revenue और capital? Capital, क्योंकि मतलब it is not for bonus, otherwise capital बढ़ाई तो fixed capital base बढ़ गया अपना, और capital raise कर सकते हैं. तो ये P&L में debited है, ये disallow होगा. 2 lakh रुपए add करो. Donation paid to a political party 25 lakh. Political party को donation. ये तो बहुत बार आ गया. Allowed or disallowed? Business head में disallowed. पर section 80GG, B80GGC में allowed. तो plus 25 lakh और उधर minus 25 lakh. ऐसे सी company है या other है? Company. Company है तो कौन सा section लगेगा? 80GGB, good. 80GGB लगेगा. 80GGB के अंतर्गत ये allowed. तो करो 25 लाख प्लस, 25 लाख माइनस. तो ये हो जाता है. चलो, मेरे ख्याल से एक आध दो assumption को change करते हुए आंसर शायद यही है. एक आध दो जगह अपन ने assumption लिया है, मैं am not very sure कि उन्होंने भी वैसे ही assumptions लिए. हाँ, वो assumption लिया है उन्होंने कि already debited है, तो मान लिया कि debited है. That is what they have taken. मैंने बताया आपको कि मैं ऐसा कर रहा हूं, हो सकता है आंसर में ट्रीटमेंट अलग हो. तो बाकी तो ठीक है, बाकी आंसर इज ओके. 489.3 मतलब वो वाला चेंज करके सेल्स टैक्स वाला एडजस्टमेंट कर दोगे तो थोड़ा सा आंसर अलग आएगा. मैं लिख भी देता हूं, सेल्स टैक्स को कंसिडर करके 489.30, दैट इज द पॉइंट विच इज कमिंग अप. चलो अभी ये बहुत हो जाता है, अभी क्वेश्चंस और हैं. तो अब ऐसा कर सकते हैं या तो कि ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, या कल भी हम थोड़ा और कंटिन्यू कर लें. कल फर्स्ट हाफ में बिजनेस हेड के क्वेश्चंस और थोड़े से कर लें, और फिर कल से हम अगला चैप्टर असेसमेंट ऑफ कंपनी के फिर क्वेश्चन करेंगे. तो फिर असेसमेंट ऑफ कंपनी के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर लें. ऐसा कर लेते, थोड़े और कर लेते, थोड़ा और अच्छा रहेगा. जैसा आप चाहें, आप चाहें तो इसको सेल्फ भी ट्राई कर सकते हैं, जैसा आप चाहें. तो सेल्फ ट्राई करना चाहेंगे? यस. चलो तो आप ट्राई कर लो. बेसिक थीम मैंने आपको सारी बता दी. थीम माम मेरे को कुछ नहीं करनी. अब तो यही करूंगा मैं कि इसको अलाउ करोगे, इसको डिसअलाउ करोगे, प्लस माइनस क्या करोगे. तो कल से हम स्टार्ट करते हैं विथ अनदर चैप्टर ऑफ द क्वेश्चंस, दैट इज असेसमेंट ऑफ कंपनीज. सो नेक्स्ट लेक्चर वुड बी अबाउट कंपनी असेसमेंट. कंपनी हो जाएगा तो वी विल ट्राई विथ अनदर चैप्टर, दैट इज असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, राइट, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट. थैंक यू.